आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान में। और हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं, और जिनके माध्यम से हम सभी नियमित रूप से प्रतिदिन आयुर्वेद पर नई नई जानकारी लेते हैं। तो आज वैद्य जी पुनः आए हैं, और आज का विषय हमारा खजूर है। खजूर के विषय पे आज वैद्य जी हमें पूरी जानकारी देंगे। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और आप सभी सदस्यगण का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी जुड़ के हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और इस मधुर ज्ञान का आप सेवन करते हैं और औरों को बताते हैं। और इस आलोचना सत्र का शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बड़े भ्रातातुल्य गोविंद भाई प्रतिदिन जुड़ते हैं, हम सभी का मनोबल बढ़ाते हैं, और स्वस्थ परिवार के सभी सदस्य भाई बहन भी जुड़ते हैं और इस सत्र का मनोबल बढ़ाते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत। और आज इस विषय पे हम सभी जानेंगे खजूर के बारे में, और इस पे इसका कैसे सेवन करते हैं, सेवन करने की विधि, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, इन सभी विषयों पे चर्चाएं होंगी और वैद्य जी बताएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सत्र में। तो वैद्य जी से निवेदन है कि कृपया अपना व्याख्यान आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो वैद्य निर्माण क्रांति अभियान जो चल रहा है स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से, आप सबका स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के विषय है, जैसे कि मतलब दीपा भैया ने कहा कि आज का विषय है खजूर। खजूर को तो हर कोई जानते हैं, क्योंकि खजूर हर कोई मतलब सेवन भी करते हैं, सबको पता है। परंतु जो कि आयुर्वेद के ग्रंथों के आधार पर, जो ऋषिमुनियों के आधार पर, या तो फिर जो वैद्य लोग वैद्य गण मतलब उसका और मतलब किस किस रोगों में किस प्रकार से मतलब जो प्रयोग किया जाना चाहिए और करते भी है और उसका परिणाम भी मिलता है, उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो चरक संहिता में खजूर को दो प्रकार बताया है। सुश्रुत संहिता में भी आचार्य सुश्रुत जी ने, महर्षि ने उसको दो प्रकार बताया है। परंतु महर्षि ये जो मतलब वैद्य भाव मिश्र जी है, अपने निघंटु संहिता में उन्होंने तीन प्रकार का खजूर बताया है। हो सकता है कि जब मतलब चरक और सुश्रुत जी के मतलब समय में, काल में, खजूर दो ही प्रकार का मतलब सेवन किया जाता था, परंतु तीन प्रकार का होता था, परंतु सेवन जो है केवल दो ही प्रकार का किया जाता था। परंतु भाव मिश्र जी के समय में वहां पे उस समय तीन प्रकार का सेवन कर रहे होंगे, ऐसा मुझे मतलब ऐसा मतलब मेरा ऐसा मन में विचार आता है। वो इसलिए आता है कि जो तीसरा प्रकार का जो खजूर है ना, उसको छुहारा बोलते हैं, जो कि पश्चिम देशों में मतलब आयात होता है। पश्चिम देशों में जैसे मतलब अभी आप सबको पता होगा कि दुबई में यहाँ से 1,92,000 किलो का गोबर जो है यहाँ से रप्तान होने जा रहा है, और ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए, गौ माता के लिए और किसान भाइयों के लिए, हमारे देश के लिए भी बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हमारा गोबर मतलब गौ माता का, देसी गाय की माता का गोबर का इतना बड़ा महत्व है, जो कि आज तक सब मतलब ये हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि खजूर को मीठा बनाने के लिए, गोबर का उपयोग करने के लिए वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि वहां का मतलब जो खजूर है थोड़ा मतलब बड़ा आता हो, मांसल रहता हो, स्वादिष्ट रहता हो, परंतु चरक सुश्रुत आदि जो मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि जो जिस स्थान पर, जिस देश में, जिस मतलब मिट्टी में जन्म हुआ है, उसी देश का, उसी स्थान का और उसी मिट्टी में उत्पन्न हुआ जो भी मतलब पेड़ पौधे वृक्ष आदि है, उनका सेवन करना चाहिए, न कि दूसरे देशों में, दूसरे मिट्टी में, दूसरे जलवायु में उत्पन्न वहां का फल मूल का सेवन करना चाहिए। इसके लिए संभवतः कि तीन प्रकार का खजूर होते हुए भी महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, भगवान धन्वंतरि आदि सब ने केवल दो ही प्रकार के खजूर के विषय में मतलब वर्णन किया है, प्रयोग किया है। परंतु भाव मिश्र जी के समय में, क्योंकि वहां से दुबई से, यहाँ से अरब के देशों से मतलब वहां से मतलब होता था, आयात होता था, हो रहा होगा मतलब जल के मार्ग से, नाव के मतलब पथ से, इसके लिए वहां पे उन्होंने तीन प्रकार का खजूर बताया है। बाकी मतलब मैंने धन्वंतरि निघंटु, राज निघंटु, कहदेव निघंटु मतलब सभी मतलब ग्रंथों में देखा तो केवल दो ही प्रकार का खजूर बताया गया है। तो दो प्रकार का खजूर क्या है उसके विषय में हम जानेंगे। जो तीसरा प्रकार का है, जिसको उर्दू भाषा में छुहारा बोलते हैं,
उसके विषय में हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संभव है कि मतलब आज प्लेन चल रहा है, लंच चल रहा है, ये सब चल रहा है तो आ रहा है, परंतु हो सकता है कि आने वाले कल में प्लेन बंद हो जाए, लंच बंद हो जाए, ये जो जितने सब मतलब मोटर जो चलने वाले जितने सब यान विमान है वो सब बंद हो जाए, तो हमें तो कल तो छुहारा मिलेगा नहीं। इसके लिए छुहारे के विषय में हम चर्चा न करके, जैसे चरक जी सुश्रुत जी मतलब आदि ने कहा है दो प्रकार का खजूर, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहा है उन्होंने कि दो दो प्रकार का खजूर है, उसको भूमि खजूरी का और दूसरा पिंड खजूरी, ऐसा मतलब कहा है चरक ने भी और सुश्रुत जी ने भी। मतलब ये मतलब भूमि खजूरी का और पिंड खजूरी का, इसके विषय में क्या है इसके विषय में जानेंगे। तो भूमि खजूरी का उसको क्षुद्र खजूरी का भी कहा जाता है, मतलब उसका नामकरण क्यों हुआ है सबसे पहले उसको जानते हैं समझते हैं, फिर बाद में हमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कहा है कि खर्जयति व्यथमेति रोगान खर्जति व्यथने इति खर्जुरः, मतलब जिसका फल जिसका जड़ जिसका रस आदि सेवन करने से, जिसका गुड़ का सेवन करने से, ये मतलब हमारे शरीर में जितने सब मतलब जो धातु है की जो क्षय हो जाते हैं, मतलब रस का क्षय हो जाना, रक्त का क्षय हो जाना, मांस का क्षय हो जाना, मेद धातु का क्षय होना, अस्थि धातु का क्षय होना, वजन का मतलब क्षय यानी क्या क्या मतलब कम हो जाना, तो जिनका वजन भी कम होता है ना वो भी सेवन कर सकते हैं, जिनका बल क्षय होता है वो भी सेवन कर सकते हैं, रक्त क्षय होना यानी कि मतलब हेमोग्लोबिन की कम होना, अस्थि धातु क्षय यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाना, दंत क्षय यानी कि दांत दुर्बल हो जाना, दांत धीरे धीरे घिसके हुए वो मतलब थोड़ा थोड़ा उसका आकार छोटा पड़ जाना, या तो दांत निकालने की नौबत आ जाना। बोलते हैं ना कि दांत में मतलब कीड़े पड़ गए हैं तो डॉक्टर ने बोला है कि निकालना पड़ेगा, यदि आप खजूर सेवन कर रहे हैं तो आपको दांत को निकालने की आवश्यकता नहीं है, कि वो दंत क्षय में मतलब आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का जो क्षय होता है ना, क्षय यानी कि कम हो जाना या तो घट जाना, बराबर, तो सभी क्षय में ये काम करता है खजूर। कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या प्रयोग के मतलब किस प्रकार से प्रयोग करने से ये काम करता है, उसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे, बराबर। तो इसके लिए इसका नाम खजूर रखा है। तो जो भूमि खर्जूरी का है ये क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं, छोटे छोटे पेड़ में ही ये फल उगने फल आने लगता है, इसके लिए उसको भूमि खर्जूरी का कहा गया है। और पिंड खर्जूरी का जो है ये बड़े बड़े होने पर बाद में फल लगते हैं, केवल इसके दो ही भेद है, बराबर। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो पिंड खर्जूरी का है वो छोटे आयु में मतलब छोटे मतलब क्या मतलब छोटी अवस्था में ही मतलब फल देने लगेगा, ऐसा नहीं है। जो छोटी अवस्था में फल देता है वो भूमि खर्जूरी का है, और जो बड़े बड़े बड़ा होने पर जिसमें फल आता है वो पिंड खर्जूरी का है, ऐसा दो प्रकार का खर्जूरी का ऐसा माना गया है, बराबर। तो अभी हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या गुण है, और क्या इसमें गुण क्या है, विपाक क्या है, धर्म क्या है, रस क्या है, वीर्य क्या है, उस सब विषय में हम आलोचना करेंगे। तो ऐसा कहा गया है चरक ने सुश्रुत में और भाव मिश्र में, अन्य दूसरे दूसरे अन्य ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि ये स्निग्ध गुण रहता है। स्निग्ध गुण यानी कि ये वातनाशक जो स्निग्ध गुण है, जो कि स्निग्ध यानी के जो कफ को बढ़ाता है, इसलिए ये स्निग्ध गुण रहता है, इसके लिए कफ को ये बढ़ाता है, मतलब दूषित कफ को नहीं, जो हमें जो चाहिए जो सहायक कफ है वो कफ को बढ़ाता है। और ऐसा कहा गया है कि ये गुरु है, गुरु होने के कारण ये हमारे शरीर के वजन को बढ़ाता है, मांस धातु को और अस्थि धातु को, शुक्र धातु को आदि को ये बढ़ाता है। फिर इसमें मतलब देखेंगे तो रस में मधुर रस भी है और कषाय रस भी है, जो भूमि खर्जूर होता है उसमें मधुर रस कषाय रस दोनों रस मतलब हमें मिलते हैं, परंतु जो पिंड खर्जूर होता है उसमें केवल और केवल मधुर रस ही पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। और इसका जो विपाक रस होता है, दोनों का विपाक रस जो है मधुर रस ही होता है, इसके लिए ये क्या करता है, पित्त का समन करता है, वात का समन करता है, परंतु कफ की वृद्धि करता है, बराबर। और इसका जो वीर्य है ये शीत वीर्य है, उष्ण वीर्य नहीं है, ये शीत वीर्य है। शीत वीर्य उष्ण वीर्य ये कैसे मतलब हम इसका कैसे मतलब ऋषियों ने कैसे इसका निर्णय लिया, ये सब मतलब हम जब काल ज्ञान मतलब जब आलोचना करेंगे तो उस विषय में आपका संदेह जो है शंका जो है पूरी तरह से निवारण हो जाएगा, बराबर। तो इसका शीत वीर्य है ऐसा कहा गया है। इसमें मतलब किस दोष को ये नष्ट करता है, तो वात और पित्त ये दोनों को समन करता है, क्योंकि इसमें मधुर रस है, मतलब रस भी मधुर है और विपाक भी मधुर है, इसके लिए ये वात और पित्त ये दोनों को समन करेगा, ये इसमें से आपको मतलब समझना चाहिए। परंतु अधिक मात्रा में दूषित कफ है तो मतलब तो भी सेवन करना चाहिए, कफ मतलब यदि कम है तो भी सेवन करना चाहिए, और वात और पित्त बहुत बढ़ा हुआ है तो भी आपको ये सेवन करना चाहिए, बराबर। और इसका बाह्य प्रयोग के लिए ऐसा कहा गया है कि इसका मतलब आपके शरीर में
कहीं भी मतलब दर्द हो तो उसका जड़ खोद कर लेके आइए, और जड़ को मतलब पानी में पीस करके केवल लेप लगाने मात्र से जहां जहां दर्द होता है वो दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि ये वात समान है, पीड़ा समान है। और इसको ऐसा कहा जाता है, ये यातना और वेदना नियंत्रक है, वेदना को शमन करने वाला है। इसके लिए इसको मतलब जहां जहां वेदना यानी कि पीड़ा होती है यहाँ वहां वहां पर इसकी जड़ मतलब खोद कर लाना है और उसको पानी में पीस करके लेप लगाना है, तो इससे क्या होगा, आपके जो मतलब पीड़ा दर्द है वो दर्द से राहत मिल जाएगी। और ऐसा कहा गया है कि जिन जिन को लोगों को नाड़ी मतलब किसी किसी को आप देखेंगे नाड़ी वैद्य, कभी कभी हमारे पास रोगी आते हैं तो उनका नाड़ी जब मतलब पकड़ते हैं ना तो नाड़ी उनका मतलब पकड़ में आता ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता मतलब क्या नाड़ी चल रहा है, तो मतलब कभी कभी नाड़ी इतना दुर्बल होता है तो पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में मतलब क्या करना, कभी कभी आप सोचेंगे कि मतलब ये की विषय बात है कि नाड़ी पकड़ में नहीं आता, तो ऐसी बात है, मैं इसका मतलब उदाहरण देता हूँ। कभी कभी आप देखेंगे किसी किसी को रक्त चढ़ाने के लिए आपने हॉस्पिटल ले गए एलोपैथी के मतलब मेडिकल हॉस्पिटल में, और वहां वहां पे मतलब जब आप मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वहां पे सेलाइन चढ़ाने के लिए या तो फिर आपको ये रक्त चढ़ाने के लिए आपके हाथों में पैरों में वो नस खोजने लगते हैं। नस यानी कि नाड़ी को ही नस कहा जाता है और कुछ नहीं है, तो नाड़ी उनको ठीक से मतलब पकड़ में मिलता नहीं है, आता नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं बार बार वो मतलब ये दूसरा मतलब वो ऐसे स्पिरिट होता है ना, स्पिरिट से बार बार साफ करते हैं, फिर उसको मतलब वो दूसरे दूसरे तरीके वो सब अपनाते हैं। वो इसलिए अपनाते हैं क्योंकि आपका नस उनको दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, इसके लिए उनको ये सब तरीके अपना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम जब मतलब ऐसे ऐसे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई 100% से 100% रोगी में ऐसा नहीं मिलता है, मतलब कभी कभी किसी किसी रोगी में क्या होता है नाड़ी पकड़ में ही नहीं आता, मतलब नाड़ी मिलता ही नहीं है, कि इनको मतलब नाड़ी मिलेगा तब ना हम मतलब रोग का निर्धारण करेंगे, कहाँ इसका वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, या तो फिर मतलब क्या हुआ है क्या नहीं। यदि नाड़ी ही पकड़ में ना आए, नाड़ी ही मतलब देखने ना आए, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें नाड़ी मतलब बल देने के लिए ये खजूर का रस हो, या तो खजूर का जो सुरा है, या तो ताड़ी है बराबर, या तो खजूर का गुड़ है, या तो खजूर का कंद है, कैसे भी करके आप इसको प्रयोग करना चाहिए। तो इससे में क्या होता है नाड़ी को बल मिलता है, मतलब नाड़ी पकड़ में आता है, ये ध्यान रखिए। और ऐसा कहा जाता है कि इसका केवल इसका जो मतलब रस होता है ना, रस खजूर का रस जो ये ग्रीष्म ऋतु में, अभी मतलब ये सब आदिवासी लोग जो गाँव के रहने वाले कुछ कुछ लोग है वो मतलब इसका रस निकालते हैं और इसका बेचते हैं रास्ता के मतलब किनारे में बैठ करके, 1 गिलास यहाँ पे तो 10 रुपए में 15 रुपए में ऐसा बेचते हैं, तो आपके वहां भी मतलब मिलता होगा मुझे ऐसा लगता है। तो उसका सेवन करने से मस्तिष्क को बल देता है, मतलब आप इसका सेवन करेंगे ना केवल 10 दिन में एक बार, ज्यादा नहीं सेवन करना, 10 दिन में एक बार सेवन करिए, और उसको ग्रीष्म ऋतु में ये पूरे 2 मास तक सेवन करिए, तो देखेंगे आपको मतलब जीवन भर में मतलब हर साल ऐसा सेवन करना है, तो देखेंगे जीवन भर में आपको कभी भी पैरालिसिस नहीं होगा, कभी भी मतलब मस्तिष्क से जनित मतलब हाई बीपी नहीं होगा, बीपी की समस्या ही नहीं होगा। मतलब पहले ये सब लोग क्या करते थे, पीते थे खजूर का रस, पीते थे खजूर का ताड़ी, पीते थे खजूर का गुड़, खाते थे खजूर बहुत मात्रा में खाते थे, आजकल तो कोई फल खाता ही नहीं है, इसलिए दुनिया दुनिया से मतलब विभिन्न प्रकार के रोगों से दुनिया भर के रोगों से ग्रसित है, यही मतलब एक बात है। तो खजूर का रस सेवन करने से बीपी कभी भी नहीं होता और हार्ट अटैक तो होगा ही नहीं, और कभी भी मतलब पैरालिसिस नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। कभी कभी बोलते हैं कि मेरे हाथ पैर ऐसे कंपन हो रहे, मतलब पार्किंसन हो गया है, तो उनको मतलब जो औषधि सेवन करना है वो औषधि सेवन करिए, परंतु उसके साथ में क्या करें आप मतलब केवल ये खजूर का रस का सेवन करिए, खजूर का ताड़ है ना इसका सेवन करिए, तो और जो मतलब जो औषधि आपको मतलब वैद्य ने दिया है, डॉक्टर ने दिया है, वो सेवन करिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु केवल इसका सेवन करेंगे ना खजूर का रस या तो खजूर का ताड़ी जो भी आप कहे, तो वो क्या करता है धीरे धीरे आपका कंपन जो है वो कंपन को ठीक कर देता है। कंपन किस लिए हो रहा है, कंपन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका नाड़ी दुर्बल हो गया है, स्नायु आपका दुर्बल हो गया है, इसलिए तो कंपन हो रहा है। जब नाड़ी और स्नायु दोनों मतलब बलवान हो जाएंगे तो आपका कंपन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, यही बात है। और ये क्या करता है मतलब एक प्रकार से विशेष रूप से ये वात को समन करता है, इसलिए इसका एक नाम ही रखा गया वात है। अभी इसका मतलब एक एक नाम के विषय में हम चर्चा आलोचना करेंगे, मतलब विश्लेषण करेंगे कि इसका नाम क्यों रखा गया ऋषि मुनियों ने, तो इसका नाम रखा है स्वाद्वी, मतलब ये मतलब कोई फल इतना स्वादिष्ट नहीं है जो कि इतना स्वादिष्ट मतलब ये है, वो स्वादिष्ट इसलिए लग रहा है, मतलब आप कैसे आप इसको पानी में मतलब थोड़ा आधा घंटा भिगो दीजिए, फिर उसको पानी में धो करके सेवन करिए,
फिर भी आपको रुचिकर लगेगा, मतलब आपको स्वादिष्ट ही लगेगा, मतलब इतना स्वाद इसमें भरा पड़ा है, ऐसा दूसरा कोई फल नहीं है जिसको आधा घंटा या तो मतलब रोकने के बाद में फिर धोने के बाद में इसका मतलब फल रस हमें मतलब ऐसा मधुर रस मिलेगा, ऐसा नहीं है। केवल खजूर एक रस है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वाद में सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए इसका नाम ही रखा गया स्वादवी। फिर इसका मतलब ऐसा कहा गया है कि मृदु छंदा है, मृदु छंदा यानी कि ये मतलब बहुत कोमल है, आप मतलब केवल नाखून से ही तोड़ेंगे ना, या तो छोटा बच्चा भी मतलब तोड़ेगा तो भी मतलब वो तोड़ सकेगा, तोड़ सकता है, इतना मतलब मृदु है। फिर मतलब आगे कहा है कि स्कंद फैला यानी कि मतलब जिनके ये कंधे में मतलब दर्द होता है, ये कंधे में दर्द के लिए बहुत रामबाण की तरह काम करता है, आप इसका प्रयोग करके देखिए। जो भी बोलते हैं कि मतलब मैंने मुझे मतलब स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, कंधे में दर्द है, मतलब गले में दर्द है, ये सब मतलब जिनको बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो केवल वो खजूर का सेवन करिए तो देखेंगे कि मतलब आपके कंधे का दर्द यूं छुमंतर हो जाएगा। ये मतलब विश्वास मानिए बहुत अच्छा मतलब परिणाम देने वाला है। और ऐसा कहा गया है कि स्वादु मस्तका यानी कि ये इतने मतलब स्वाद से भरपूर है, मतलब कहा नहीं जा सकता, इसका मतलब कितना भी मतलब प्रशंसा की जाए ना बहुत कम है, इतना मतलब ये स्वादिष्ट है। इसके लिए सब स्वादिष्ट जितने मतलब स्वादिष्ट फल है उन सबका राजा बना दिया है, मतलब फलों के राजा तो आम है, परंतु जो स्वादिष्ट स्वादु फल होता है ना, स्वादिष्ट फल, तो स्वादिष्ट फलों में सबका सबसे तो मतलब सभी फलों में ये राजा, इसको मतलब राजा कर दिया गया है, इसके लिए इसका नाम दे दिया गया स्वादु मस्तका। और इसका मतलब ऐसा कहा गया है काक कर्कटी, मतलब ये काक यानी का जो कौवा होता है ना, काव ये CROW क्रोज बोलते हैं, कौवा झूठ बोले कौवा काटे जो बोलता है ना, ऐसा जो कौवा कहला है ना, ये बहुत अच्छा मतलब फल, बहुत प्रिय फल है उसका, इसके लिए देखेंगे मतलब चोरी छुपी वो मतलब उसके खजूर के पेड़ में बैठ करके आराम से वो नोचता हुआ मतलब धीरे धीरे वो खाता है। फिर ऐसा मतलब कहा गया है कि ये निश्रेणी है, निश्रेणी मतलब इसके लिए किसी भी प्रकार के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, ना फूल को इसके लिए आश्रय आश्रय की आवश्यकता है, आश्रय मतलब आधार, इसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, ना पानी की आधार है, ना मतलब हवा की आधार है, ना धूप की आधार है, मतलब किसी भी प्रकार का ये आधार नहीं है, ये निराधार फलने वाला है, इसके लिए जो भी ये मतलब कोई भी सेवन करेगा ना तो ये बिना किसी निराधार के, मतलब जो कहते हैं ना कि स्वावलंबी बनो, स्वावलंबी बनो, जिस बच्चे को, जिस लड़के को या तो जिस स्त्री को आपको स्वावलंबी बनाना है, केवल आप उसको कहिए कि मतलब जो भी मतलब बोलते हैं कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, कि मैं उसके बिना मतलब मैं चल नहीं सकता, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मतलब तू ही मेरा जिंदगी का सहारा है, मतलब तू ही तू है, ऐसा जो बोलते हैं ना आजकल ये फिल्में देखकर सीरियल देखकर, आप केवल उनको बोलिए कि 2 से 3 महीना केवल खजूर का सेवन करो, कुछ नहीं सेवन करना है, वो कैसे सेवन करना है मैं उसकी पूरी तरह से विधि बताऊंगा, मैं केवल मतलब आप बता रहा हूँ आज, मतलब ये जो कि मतलब बता रहा हूँ ना ये बहुत अच्छा, मतलब मैं उसका प्रयोग का विधि संपूर्ण विधि बताऊंगा, परंतु ये कैसे कैसे काम करता है उसके विषय में आपको बता रहा हूँ। तो ये मतलब ऐसा है कि ये मतलब ये निश्रेणी है, इसके लिए निश्रेणी है ना, इसके लिए आपको भी ये निश्रेणी बनाएगा, मतलब किसी के मतलब स्वावलंबी बन सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और ऐसा कहा है कि हरि प्रिया है, हरि यानी के भगवान विष्णु का नाम हरि है, प्रिया यानी के माता लक्ष्मी या तो फिर माता सरस्वती है, क्योंकि भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं ऐसा कहा जाता है, जो बड़ी पत्नी है वो सरस्वती है और जो छोटी पत्नी है उनका माता लक्ष्मी है, ऐसा कहा जाता है। तो हरिप्रिया यानी कि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों को मतलब कहा जाता है, समझा जाता है, तो इसका अर्थ है लक्ष्मी यानी कि आरोग्य, लक्ष्मी यानी कि शोभा, लक्ष्मी यानी कि सौंदर्य, लक्ष्मी यानी कि आप मतलब धन संपत्ति सौंदर्य शोभा आभा बल आरोग्य ये सब समझ लीजिए, और जो सरस्वती माने यानी कि धृति मति बुद्धि विद्या ज्ञान ये सब समझ लीजिए, तो आप मतलब इसका नाम हरिप्रिया रखा गया है, क्योंकि इसको मतलब सेवन करने से आपको कभी रोग मतलब सही तरीके से रोग नहीं होगा। अब आप ये बताएंगे कि केवल यही फल सेवन करने से कैसे हमको रोग नहीं होगा, क्योंकि जब हम बात पित्त कफ के ऊपर आलोचना सत्र मतलब कर रहे थे उस समय आपको मतलब पता होगा, या तो फिर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको स्मरण दिला देता हूँ कि हमारे शरीर में रोग क्यों होता है, जब मतलब हमारा कफ वात और पित्त दोनों तीनों कुपित होते हैं या तो दूषित होते हैं तब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है, मतलब हमारे शरीर में कफ की मात्रा हमेशा बढ़नी चाहिए परंतु पित्त और वात जो है कभी बढ़ना नहीं चाहिए, यदि अधिक मात्रा में वृद्धि होने लगे, पित्त वृद्धि होने लगे तो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां है वो ग्रंथियों को नष्ट करने लगता है, मतलब बीमार करने लगता है, और जब वात बढ़ता है
जो हमारे शरीर में 12 प्रकार के जो अर्गन है, जिसको अंग प्रत्यंग या तो अवयव कहा जाता है, उनको बिगाड़ने लगता है। इसके लिए खजूर क्या करता है, ये वात और पित्त दोनों में दोनों का समन करता है। और कभी कभी देखेंगे दूषित कप को भी मतलब ये मतलब समन करता है, मतलब कप को बढ़ाता है, परंतु आपके शरीर में जितने सब दूषित कप है उसको निकाल देता है। इसके लिए खजूर का सेवन करेंगे तो जितना दूषित कप है वो निकल जाएगा, परंतु आपके शरीर में जितने कप की मात्रा चाहिए वो उसको बनाएगा, मतलब निर्माण करेगा। और आपके शरीर में वात कुपित है तो उसको समन करेगा, पित्त कुपित है तो उसको समन करेगा, परंतु पित्त यदि कम है या तो फिर वात कम है तो उसको बढ़ाएगा नहीं, परंतु बढ़ा हुआ है तो उसको समन कर देगा, मतलब उसका लेवल पे लेके आएगा। और उसको ऐसा नाम है कि ये आ, आ, ये यवनष्टा है, ऐसा नाम कहा गया। यवनष्टा यानी कि यवन मतलब मुसलमान, जो मतलब मुसलमान लोग होते, मुगल होते थे, तो उनके वहां क्या होता था, मरुभूमि में दूसरा कोई ऐसे फल मूल कंद ऐसे, मतलब जैसे हमारे यहाँ कितने सारे फल है, जैसे मतलब आम है, पनस है, फिर मतलब ककड़ी है, ताल है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब फल है, एप्पल है, फिर मतलब संतरा है, पपीता है, ऐसे कितने कितने फल है, परंतु उनके वहां मतलब इतने सारे फल नहीं मिलते, परंतु ये खजूर बहुत मात्रा में मिलता है। और ये लोग क्या करते हैं, ये खजूर को ही अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। इसके लिए ये यवनष्टा मतलब ये यवनों का इष्ट देव की तरह है, इष्ट यानी के मतलब एक अभिलाषा रहती है कि खजूर मतलब वो देखेंगे यवन लोग अधिक मात्रा में छुहारे का ही सेवन करेंगे, जो मतलब जिसके विषय में केवल भाव मिश्र जी अपने संहिता निघंटु संहिता में बताया है, परंतु चरक जी, सुश्रुत जी, धन्वंतरी जी, राजबल्लभ जी, बल्भाचार्य जी, किसी अन्य मतलब आचार्यों ने मतलब दो प्रकार के ही मतलब खजूर बताया है, तीसरा प्रकार का खजूर बताया है नहीं है, परंतु भाव मिश्र जी ने तीसरे प्रकार का खजूर बताया है। हो सकता है कि उस समय हमारे देश में यवन लोगों का आना जाना रहा होगा और वहां से छुआरा हमारे देश में आता होगा और कुछ कुछ लोग उसका प्रयोग भी करते होंगे, इसके लिए उन्होंने शायद बताया है, ऐसा मतलब मैं ऐसा मतलब सोचता हूँ। तो इसके इतने सारे मतलब नाम है बराबर, अभी हम इसके मतलब देखेंगे इसके और क्या क्या गुण है। तो पाचन संस्थान में ये क्या क्या काम करता है, पाचन संस्थान में जिन जिन लोगों का मतलब क्लेदा कफ घट गया है या तो फिर क्लेदा कफ बढ़ गया है, तो इसके लिए खजूर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये स्नेहन गुण और अनुलमन गुण ये दोनों गुणों में मतलब भरपूर है। इसके लिए जिनका क्लेदा कफ मतलब कम है या तो बढ़ गया मतलब दूषित हो गया है, उन लोगों को सेवन करना चाहिए। और ऐसा कहा है कि ये स्तंभन है, मतलब जिनको भोजन करने बाद में दस्त लगता है, मतलब लेटिन शौच जाना पड़ता है, तो उन लोगों को खजूर मतलब खाली पेट में सेवन करना चाहिए। तो खाली पेट में आप सेवन करेंगे तो आपको खाना खाते बाद में फिर दस्त नहीं लगेगा, मतलब शौच के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। परंतु अधिक खाने से ये विष्टम भी मतलब कर देता है, विष्टम यानी कि आपका जो मल है वो अवरुद्ध कर देता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन कब्ज बना देगा, इसके लिए अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है, ध्यान में रखिए। और इसका जो मतलब पत्र है, ऐसा भैषज रत्नावली नाम का एक मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सा पुस्तक है, उसमें आप देखेंगे कृमि रोग चिकित्सा प्रकरण में जो 11वां अध्याय है उसमें 6 नंबर का श्लोक है, 6 नंबर का श्लोक, उसमें ऐसा मतलब कहा गया है कि मतलब क्वाथम खर्जुर पत्राणाम सख्योद्र मुसितम निशि पित्वा अनिवार्यस्त्याशु कृमि संगम से सतः, मतलब इसका अर्थ यह है कि इसका खजूर का जो पत्ता है ना उसको मतलब लेके आइए और उसको क्या करिए, मतलब जितना मतलब पत्ता लेके आएंगे मतलब कम से कम 25 ग्राम तक लेके आइए और उसको मतलब 2 गिलास पानी में उसको उबालिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़े बना करके और उसको पानी उबालिए 2 गिलास पानी में, जब आधा गिलास बचे तो उसको छान करके क्या करिए, रात भर छोड़ दीजिए, रात भर ऐसे उसको मतलब ढक्कन मतलब ढक करके छोड़ दीजिए, रात भर पड़ा रहेगा, सुबह में उठ करके क्या करना है, 1 चम्मच शहद मिला करके सेवन करने के लिए देना है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या कोई भी हो, आप उनको सेवन करने के लिए दीजिए। तो जिन बच्चों का या मतलब बड़े लोगों का बार बार मतलब कृमि होता है ना, तो कृमि को मतलब पूरी तरह से मतलब ठीक कर देता है, परंतु इसका प्रयोग कम से कम 2 से 3 महीने तक सेवन करना चाहिए, ऐसा मतलब प्रयोग करेंगे ना तो ये कृमि का पूरी तरह से नाश कर देता है, मतलब जब तक जिएंगे तब तक दोबारा कभी मतलब कृमि नहीं होगा, ये मतलब पक्का है, मतलब निश्चित रूप से। और मतलब ऐसा कहा जाता है कि रक्तवह संस्थान में ये रक्त पित्त शामक है और हृदय को बल देता है, ऐसा कहा जाता है। रक्त पित्त शामक यानी कि आपके शरीर में से कहीं से भी मतलब रक्त मतलब स्राव होता है, जैसे आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, या तो पेशाब के रास्ते से, या तो फिर जो स्त्रियों का माता बहनों का रक्त प्रदर हो जाता है, या तो फिर जिनका मल द्वार से मतलब शौच जाने जाते समय जिनका मतलब मल के साथ में रक्त गिरता है, या तो शरीर के कहीं से भी आपका मतलब रक्त यदि मतलब होता है तो मतलब गिरता है, तो
तो वहां पे आपका इसका सेवन करने मात्र से रक्त पित्त को समन हो जाता है तथा उसके साथ में हृदय को बल देता है, ये ध्यान में रखिए। और ये श्वसन संस्थान में क्या करता है, दूषित कफ को ये निसारक कर देता है। दूषित कफ को यानी कि जितना सब आपका शरीर में जो कफ नहीं रहना चाहिए तो उसको निकाल देता है, और जो कफ रहना चाहिए जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में ये बनाने लगता है, मतलब निर्माण करता है। और प्रजनन संस्थान में ऐसा है कि ये वृष्य है, वृष्य यानी कि मतलब रक्त शक्ति का मतलब कामोत्तेजक है, कामोद्दीपक है, मतलब मैथुन शक्ति को बढ़ाने वाला है, इसके लिए इसको वृष्य कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि मूत्र वह संस्थान में बहुत अच्छा काम करता है, मूत्र वह संस्थान में ये मूत्रल है, क्योंकि ये मूत्रल है इसके लिए अस्मरी में मतलब पथरी में काम करेगा, किडनी रोगों में काम करेगा, और इसके साथ में जिनको ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है उसमें काम करेगा, जिनको मूत्र कुछ मतलब पेशाब में जलन होता है उसमें काम करेगा, जिनका पेशाब रुक गया है उसमें भी काम करेगा। कैसे कैसे काम करेगा और किन के साथ में इसका प्रयोग करना है इसके विषय में आपको आगे भी बताऊंगा। पहले इसके गुण धर्म समझ लेते हैं, फिर इसका प्रयोग विधि मतलब चर्चा करेंगे। फिर इसका मतलब तापक्रम में ऐसा कहा गया है कि ये जरघ्न है, मतलब ये ज्वर का नाश करने वाला है, ये जर को पूरी तरह से नाश कर देता है। आपके मतलब किसी भी प्रकार का ज्वर हो तो आप इसमें मतलब निस्संदेह भाव से इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है, क्योंकि ये ज्वरग्न है, ज्वर का नाश करने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में पूरी तरह से जलन होने लगता है, जलने लगता है, मतलब जिसको दाह कहा जाता है, अंग दाह, नेत्र दाह, शिरोदाह, हस्त दाह, पदा दाह, जठर दाह, ऐसा मतलब दाह मतलब कहा जाता है, मतलब जिस जगह पे जलन होती है ना वो उस जगह से मतलब दाह कहा जाता है। जैसे नेत्र दाह मतलब आंखों में जलन होने वाला, हस्त दाह मतलब हाथों में जलन होता है तो हस्त दाह कहा जाता है, पद दाह यानी कि मतलब जिनके पैरों में तलों में जलन होता है तो उनको पद दाह कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह अंग दाह मतलब पूरे शरीर में जलन होता है तो उसको अंग दाह कहा जाता है। तो जहां जहां दाह होता है ना उस अंग का दाह ऐसा कहा जाता है। तो ये दाह को समन करने वाला, प्रशमन करने वाला होता है। और ऐसा कहा गया है कि ये सात्विकरण में श्रमहर है, श्रमहर यानी कि जिनको थकान लगता है, बार बार थोड़ा सा काम करने पर भी थकान लगता है, या तो फिर मतलब जिनको मतलब दिन भर मतलब जो ये श्रम करने जाते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको मजूरी, जो प्रतिदिन जो काम करने के लिए जाते हैं डेली मजूरी में, तो उनके लिए बहुत अच्छा मतलब ये परिणाम जनक है। और ऐसा कहा गया है ये बल्य है, बल्य यानी कि बलदायक है, बल कारक है। ब्रहण, ब्रहण यानी कि रस, रक्त, मांस, में जो सातों धातु है, या तो फिर ओज को मिलाकर आठों धातु है, स्त्रियों के रज को मिलाकर नौ धातु है, तो सारे धातु को ये बढ़ाने वाला है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि ये क्षय को मतलब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का जो क्षय होता है उन सारे क्षय को नष्ट करता है, मतलब कहीं से भी क्षय हुआ, मतलब मान लीजिए आपका बालों का भी क्षय हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि एक दो दिन या तो 10-15 दिन सेवन कर लिया फिर आप बोलेंगे सत्यवान जी आपने तो कहा था कि क्षय में काम करता है, हमारे बालों का क्षय होने लगा तो हमने सेवन किया, हमने 15 दिन सेवन किया तो परिणाम नहीं मिला, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपका मतलब क्यों क्षय हुआ है उसके कारण को भी नष्ट करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा है निदानम परिवर्जनम, मतलब सबसे पहले कारण को नष्ट करिए, आप रोग को नष्ट मत करिए। कारण को नष्ट नहीं किया परंतु रोग को नष्ट करने में आप लग गए तो ऐसे में क्या होगा, आपको परिणाम शून्य मिलेगा या मतलब ना के बराबर मिलेगा। फिर आप क्या बोलेंगे कि सत्यवान जी ने कहा था कि आयुर्वेद में ऐसा है वैसा है, हमने प्रयोग किया परंतु परिणाम नहीं मिला। कभी कभी जो आरंभिक जो प्रारंभिक जो क्रिया होती है ना, प्रारंभिक स्थिति, तो उसमें परिणाम मिल जाते हैं, परंतु जिनका मतलब गंभीर रोग हो गया, संक्रामक रोग हो गया, या तो बहुत पुराना जीर्ण ज्वर मतलब जीर्ण रोग हो गया, तो ऐसे में फिर परिणाम नहीं मिलेगा। तो आप बताएंगे कि सत्यवान जी आपने तो कहा था कि एक स्वयं में काम करता है, हमने किया तो परिणाम नहीं मिला। तो इसका मतलब रहस्य यह है, इसका अर्थ यह है कि आपने रोग को मतलब कारण को नष्ट नहीं किया, और जिन कारण के वजह से कारणों के कारण आपका मतलब शरीर में रोग हुआ है उन कारणों का आपने त्याग नहीं किया, क्योंकि निदान परिवर्तन मतलब जिसके कारण के कारण रोग आपके शरीर में रोग हुआ है सबसे पहले आप उनको छोड़िए, मतलब तर छोड़ देना है, उनका त्याग करना है, फिर उसके बाद में कारण को नष्ट करने के लिए औषधि सेवन करना है, और उसके बाद में आप जो जो मतलब प्रयोग मतलब करेंगे ना तो उसमें आपको 100% परिणाम मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। फिर ऐसा कहा है कि ये मतलब दीपन है, दीपन मतलब ऐसा है कि मतलब दीपन कौन सा है, ये जो मतलब जो खजूर का जो नीरा होता है ना, जिसको नीरा बोलते हैं, ताड़ी बोलते हैं, तो उसको जो मतलब रस होता है जिसको कोई कोई खजूर रस भी बोलते हैं, तो खजूर का रस है ना ये दीपन करता है, दीपन यानी कि भूख को बढ़ाता है, और पाचन है मतलब जो भी आप खाना भोजन कर रहे हैं उसको हजम कर देता है, और उत्तेजक है यानी कि आपके शरीर में उत्तेजना को लाता है, मतलब काम शक्ति को बढ़ाता है, ये ध्यान में रखिए।
तो ऐसा कहा गया है कि ये दोष प्रयोग में मतलब ये वात और पित्त ये दोनों के विकार में ये शांत करता है। और दंत शूल में तो मतलब जिन जिन लोगों का मतलब दंत में पीड़ा होती है ना, कोई कोई बोलता है कि मैंने फिटकरी का पानी उपयोग किया तो मुझे मतलब कोई आराम नहीं मिला, कोई कोई बोलता है कि मैंने ये किया लौंग का तेल मजमाया अमृत धार आजमाया परंतु मुझे परिणाम नहीं मिला। मतलब आपने चारों तरफ से मतलब ये करके आपने मतलब थक गए, परंतु दंत शूल मतलब आपका जो दांत में पेन हो रहा है दांत दर्द में परिणाम नहीं मिला, तो ऐसे में क्या करिए खजूर का जड़ खोद करके लाइए और उसका काढ़ा बना करके उससे कुल्ला करिए 1 घंटे में छोड़ छोड़ के। हाँ मतलब हर 1 घंटे में एक एक घंटे में अंतर में आप इसका केवल केवल कुल्ला करिए तो देखेंगे कि आपका जो दंत में जो दर्द हो रहा है ना वो एक ही दिन में मतलब 4 से 5 घंटे के भीतर जो है आपका दांत दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। या तो फिर मतलब आप बोलेंगे कि मैं कुल्ला नहीं कर सकता, तो आप एक काम करिए इसका जो जड़ है उसका जड़ को मतलब पाउडर मतलब लेके आइए और उसको छाया में सुखा करके या तो धूप में सुखा करके उसको पाउडर बना लीजिए और एकदम मतलब गुलाबी गुलाबी रंग का मतलब मटमैला जैसे गेरू रंग, गेरू का कैसा रंग है मतलब आप देखा होगा ये खजूर का कैसा रंग है, तो ऐसा ही रंग का आपको मतलब पाउडर बन जाएगा। तो उसको पाउडर थोड़ी सी लेना है जैसे हम दंत मंजन करते हैं तो उसी प्रकार आपको मंजन करना है तर्जनी उंगली में मतलब पहली उंगली से आपको मंजन करना है। तो जिन जिन लोगों का दांत का दर्द होता है ना तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है अभ्यंतर नाड़ी संस्थान में जिनको मतलब बार बार मूर्छा होती है या तो अपस्मार मतलब हो गया जिसको फिट्स बोलते हैं या तो फिर जिसको एपिलेप्सी भी बोलते हैं या तो फिर जो भ्रम है मतलब जिनको चक्कर आता है सर चक्कर आता है ऐसा बोलते हैं ना, फिर जिनको मतलब शराब छुड़ाने की मतलब इच्छा है या तो जिनका मतलब स्मरण शक्ति की कमी है या तो फिर जिनको बार बार कमर में दर्द हो रहा है या तो साइटी का मतलब गृध्र सी बात है या तो मतलब विभिन्न प्रकार का बात रोग है, तो ऐसे में क्या करना है इसका जो सुरा होता है ना सुरा मतलब एक प्रकार का सुरा है आप देखेंगे आयुर्वेद के चिकित्सा ग्रंथ है गद निग्रह करके, तो गद निग्रह में एक प्रकार का इसको खर्जूर सुरा मतलब कैसे बनाया है कैसे बनाया जाता है उसमें बताया गया है। तो आप कोई कोई वैद्य बनाते होंगे मैं नहीं जानता कि कौन बनाता है परंतु कोई कोई वैद्य बनाते होंगे ऐसा मतलब मुझे लगता है। तो खर्जूरा का जो सुरा होता है ना उसको खर्जूर सुरा बोलते हैं, जैसे रसन सुरा है पिपली सुरा है मृत संजीवनी सुरा है ठीक उसी प्रकार खर्जूर सुरा भी होता है, तो खजूर सुरा का भी मतलब प्रयोग करेंगे ना तो बहुत अच्छा मतलब ये सब में मतलब बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ऐसा मतलब कहा गया है खजूर सुरा लेने के लिए मतलब उसका मैं एक मतलब प्रयोग बता देता हूँ, यदि आप में से कोई वैद्य जन है यदि कोई करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि खजूर नागरमोथा आंवला कायफल मुनक्का हरड़ सुपारी का फूल और पाठा भारंगी कपूर कचरे कुढ़ सुगंध वाला अजमोदा गुगल पिपलामुल पुनर्नवा जिसको विष खपरा कहा जाता है और कायफल प्रियंगू का फूल कच्चुरु कच्चुर जिसको सटी कहा जाता है काली मिर्च जीरा और ये जो चने का जो मूली होता है ना चने का मूली वो लेना है, फिर निशोथ लेना है हरड़ का जो मतलब हरड़ का जो छाल होता है वो लेना है, फिर धमासा लेना है लज्जालो लेना है जिसको लाजवंती कहा जाता है, फिर रोहिड़े का छाल लेना है जिसको रोहित कहा जाता है, फिर जो कूड़े का जो कुटज होता है ना उसका जड़ का छाल लीजिए कुटज का जड़ लीजिए फिर सौंठ लीजिए सब में से कितना लेना है ना सवा सवा शेर मतलब मात्रा में लेना है बराबर मतलब किलो 250 ग्राम की मात्रा में लेना है, फिर जटामांसी दालचीनी तेज पत्ता इलायची और नागकेसर पिपली लौंग जायफल चंदन जो कि मलय चंदन वो लेना है, फिर मंडूर भस्म लेना है इनको 10-10 तोले की मात्रा में लेना है और धातुकी का फूल 7 मण लेना है और गुड़ जो है 22-21 मण लेना है, इन सब का चूर्ण करके 110 शेर पानी में मिला करके बड़े चिकने बर्तन में संधान करके भूमि में गाड़ देना है और 6 दिन के बाद में उसमें 300 नंग पान का पत्ता और 2000 कमल का मतलब जो फूल होता है वो ढाल देना है छोटे छोटे टुकड़े करके और तांबे के मतलब बर्तन में बड़ा सा बर्तन में ढाल करके उसका फिर क्या करना है अर्क निकालना है, जैसे मतलब अर्क निकाला जाता है जैसे अजमोदा अजमोदा अर्क अजवाइन अर्क लौंग का अर्क कपूर का अर्क इलायची का अर्क गिलोय का अर्क पुनर्नवा अर्क ये जो अर्क निकाला जाता है जैसे गोमूत्र का अर्क निकाला जाता है दशमलव का अर्क निकाला जाता है ऐसे ही अर्क निकाल लेना है। तो इसको अर्क निकालने बाद में इसको रख लीजिए बराबर, तो ये हो गया आपका खजूर सुरा ये गद निग्रह में बताया गया है। तो ये खजूर सुरा है ना एकदम मतलब शराब की भांति काम करता है, तो जिनको शराब छोड़ना है तो खजूर सुरा को आप जितनी मात्रा में आप उसका सेवन करते थे जो विदेशी जो मतलब शराब है
या तो देसी शराब जो भी है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उतनी मात्रा में ये खजूर का सुरा आपको प्रयोग करना है, मतलब सेवन करना है। और धीरे 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 धीरे, मतलब सबसे पहले आप जितने मतलब मात्रा में सेवन करते थे उसको लीजिए, और धीरे धीरे कम करते करते आपको क्या करना है, 50 ml तक लाना है, मतलब 10 चम्मच की मात्रा में लाना है। फिर एक सप्ताह के बाद में 9 चम्मच लेना है, एक सप्ताह बाद में 8 चम्मच, मतलब हर एक सप्ताह में एक एक चम्मच कम करते जाना है। तो ऐसा देखेंगे 10वें सप्ताह में पूरी तरह से आपका खत्म हो जाएगा। और मतलब लगभग इसके लिए मतलब 11 या 12 सप्ताह लगेगा, मतलब 3 3 महीना लगेगा आपको पूरी तरह से छोड़ने के लिए। ये तो मतलब हो गया शराब छोड़ने की बात। और ये खजूर का जो सुरा है, ये और क्या क्या काम में करता है, जिनको बार बार दस्त लगता है तो दस्त को बंद करता है, कर देता है। और जिनको क्षय है, मतलब टीबी है, जिसको राजयक्ष्मा यक्ष्मा ऐसा कहा जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनका हृदय रोग, जिसको पेसमेकर डाला है या तो स्टंट डाला है, बाईपास सर्जरी कराया है, तो फिर भी मतलब पेसमेकर डालने के बाद में भी सीने में दर्द होता है। स्त्रियों में मतलब पेसमेकर स्टंट डाला हुआ रहता है। मेरे पास कभी कभी ऐसे मतलब रोगी आते हैं जिनको, स्त्रियों को पेसमेकर और स्टंट डाला हुआ रहता है, फिर भी उनको छाती में स्तनों में बहुत जोर से दर्द होता है, वो संभाल नहीं पाती, कमर में दर्द होने लगता है, पैरों में सूजन आ जाता है। तो उनको ये खजूर सुर है ना बहुत अच्छा तरह मतलब काम करेगा, परिणाम देगा। और ऐसा कहा गया है कि जिनको बार बार खांसी आती है, आपकी विभिन्न प्रकार का औषधि सेवन किया, खांसी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो ये खजूर का सुरा प्रयोग करेंगे ना तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। और ये विषम ज्वर यानी कि जो मलेरिया ज्वर है, बुखार है, उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है। कभी कभी जो किडनी के रोगियों में हाथ पैर या तो पूरे शरीर में पूरा सूजन आ जाता है, वो कितना भी हम मतलब देते हैं ना तो सूजन उतरता नहीं है, तो इसमें ये बहुत अच्छा मतलब काम आता है ये सूजन को कम करने के लिए। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी किसी रोगी में बार 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 पेशाब लगने लगता है तो ठीक नहीं होता है, तो ये खजूर का जो सुरा है इसको प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है श्वास के रोगों में। और जिनको मतलब ये स्वप्न दोष होता है बार बार, या तो फिर मतलब जिनके धातु तरल अवस्था में है, या तो जिनको दुर्बल लग रहा है, दुर्बलता है, मतलब कभी कभी ऐसे रोगी आते हैं बोलते कि हमको मतलब मेरे गैस्ट्रिक नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, सब नॉर्मल है, फिर भी मुझे कमजोरी लग रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, ये खजूर का जो सुरा है, ये खजूर सुरा सेवन करना चाहिए लगभग 4 महीने तक या तो 3 महीने तक, तो देखेंगे उनका मतलब खजूर सरा सुरा से दुर्बलता पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर मतलब जिनको शरीर में रक्त की कमी है, या तो थैलेसेमिया हो या तो एनीमिया हो, मतलब हेमोग्लोबिन की कमी रहता है ना, तो इसमें प्रयोग करने से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जिनको हिचकी होती है, या तो जिनको मतलब मस्तिष्क के विभिन्न प्रकार का जो रोग होता है, तो उन सब में मतलब ये बहुत अच्छा काम करता है बराबर। और ये अग्नि को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है, रुचि को भी बढ़ाता है। इससे क्या होता है, आपको खाने की इच्छा बहुत अच्छी तरह से मतलब बढ़ती है। ये तो हो गया खजूर सुरा। और देखेंगे आयुर्वेद के चिकित्सा ग्रंथ में एक ग्रंथ है योग रत्नाकर, तो उसमें ऐसा प्रयोग बताया है, खजूरा सव करके बताया है। तो खजूरा सव मतलब उसमें क्या करना है कि 5 शेर खजूर लेना है, 32 शेर पानी में पकाना है बराबर, मतलब 5 किलो खजूर लीजिए। आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा मतलब सरल प्रयोग है, इसको ध्यान से देखिए सुनिएगा। ये योग रत्नाकर में बताया गया है खजूरा सव, मतलब 5 किलो खजूर लीजिए और 32 किलो लीटर में, 32 किलो पानी या तो 32 लीटर पानी में उसको उबालिए बराबर। जब 8 लीटर या तो 8 किलो पानी बचे उसको, मतलब इसको काढ़ा बनाना है, जब बच जाए तो उसको छान लेना है बराबर। तो इसको छान करके आप मतलब उसको ठंडा होने दे, तो ठंडा होने के बाद में क्या करिए, फिर उसके मतलब हावेर, हावेर करके एक मतलब औषधि आती है जो कि पंसारी के वहां में आपको मिल जाएगा, हावेर लेना है और 2.5 फूल का चूर्ण लेना है बराबर। उसमें कितने कितनी मात्रा में लेना है, इसका 1/4, 1/4 यानी के 8 का यानी के नहीं 10वां हिस्सा लेना है, मतलब 800 ग्राम हावर लेना है और 800 ग्राम जो है 2.5 कप फूल लेना है, और उसको उसमें चूर्ण, दोनों को चूर्ण बना करके उसमें मतलब ढाल देना है। और इसको क्या करना है, घड़े को मतलब पूरा पैक कर देना है, उसको ढंकन लगा करके पैक कर देना है, और उसको मुख को बंद करके आपको जहां पे धूप गिरता हो दिन भर में तो वहां पे जमीन में गाड़ देना है, 3 हाथ नीचे मतलब लगभग 5 या 6 फुट नीचे जो है जमीन में गाड़ देना है, और 15 दिन के बाद में उसको निकाल देना है बराबर जमीन में से, और ध्यान से निकालना है, नहीं तो फिर आप निकालने जाएंगे ना तो क्या होगा, वो गड़ा जो है वो टूटना टूट जाएगा या तो फटने की संभावना रहती है, क्योंकि मैंने कभी कभी मतलब प्रयोग किया है पहले 1-2 बार, तो घड़ा पर एकदम से आधे से 2 टुकड़े होकर के फट गए, टूट गए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको थोड़ा ध्यान से मतलब निकालना है, नहीं तो फिर आपका टूट जाएगा, फिर आपका
फिर मतलब नष्ट हो जाएगा सारा का औषधि। तो ये आपका जो है खजुरा सब बन करके तैयार हो गया बराबर। तो ये कितना सरल प्रयोग है, आपको कोई ज्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल काढ़ा बनाना है और ढाल देना, छोड़ देना है बराबर। फिर हावबेर का, धाई का, फूलों का पाउडर बना के उसको छोड़ देना है, 15 दिन के बाद में निकाल देना है। तो ये क्या क्या काम करता है, टीबी में काम करता है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन हो, चाहे किडनी का सूजन हो, लिवर का सूजन हो, हार्ट का सूजन हो, या तो ये पेनक्रियाज के कारण सूजन हो, या तो फिर आपका मतलब हेमोग्लोबिन के कम के कारण सूजन हो, या तो फिर आपको प्रमेह हो, प्रदर हो, पांडु रोग हो मतलब रक्त की कमी हो, या तो फिर जंडिस हो, जंडिस में भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है, और आपके गुल्म रोग होता है ना, गुल्म में काम करता है, और जो बवासीर तो बवासीर होता है, तो बवासीर में पेट साफ नहीं होता है और साथ में रक्त गिरता है, तो रक्तार्स जो रक्त बोलते हैं ना खूनी बवासीर, रक्तार्स, तो रक्तार्स में भी ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। तो आप इसको बना करके भी आप मतलब प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सरल प्रयोग है, आप बना करके देखिए, फिर आप बताइए कि आयुर्वेद के जो ऋषि मुनियों ने जो संधान मतलब दिया है ये कितना अच्छा मतलब काम करता है। तो ऐसे भी मतलब ये क्या है, प्रजनन संस्थान में भी ये काम करता है, जिनकी शुक्र धातु दुर्बल है, शुक्र धातु मतलब मतलब गाढ़ा नहीं है जिनका धातु, तो इनका सेवन करने से वो गाढ़ा हो जाता है बराबर। और फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि मतलब कितना भी मतलब हम प्रोटीन खाते हैं, टॉनिक खाते हैं, या तो फिर हमने अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मुसली, ये सब मतलब सेवन करते हैं, फिर भी हमारे शरीर में कुछ लगता नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है, ये खजुरा सब, या तो खजूर का सुरा, या तो फिर खजूर का ताड़ी, या तो खजूर का रस जो है उनका प्रयोग करिए, ज्यादा नहीं, केवल 2 से 3 महीना सेवन करिए, तो फिर देखिए इसका मतलब कितना मतलब अच्छा परिणाम मिलता है, बहुत अच्छा है। और इसका आवश्यकता के अनुसार उसकी मतलब मात्रा नियत करना है, इसकी मात्रा में कोई कम बेसी ऐसा मतलब वर्णन नहीं किया गया है किसी भी ग्रंथ में, तो इसका मतलब मात्रा में इसके क्योंकि वर्णन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको मतलब बता मतलब सेवन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि मतलब मैं बताने जाऊं कि इसका मतलब कितने मात्रा में मतलब लेना है, तो मेरे हिसाब से इसको यदि आप मतलब ये खजूर का रस यदि लेना है, सेवन करना है, तो लीजिए कम से कम 30 ml, 40 ml तक लीजिए, यदि खजूर का सुरा या तो खजूरा सब सेवन करना है तो 30 से 40 ml तक लीजिए, यदि खजूर का सेवन करना है तो एक ही साथ में आप 100 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप मतलब खजूर का जड़ का चूर्ण सेवन करना है तो 5 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यदि पत्ते का सेवन करना है काढ़ा बना करके तो कम से कम 2 तोला यानी कि 25 ग्राम तक इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मतलब था ये शास्त्र के मतलब जो बताया मतलब बताया गया है, चरक में, सुषुप्त में, भाव प्रकाश में, धन्वंतरि में, ये सब मतलब बताया है। अभी मैं इसके कुछ कुछ जो प्रयोग है वो मैं बता रहा हूँ, और इसके जो आनुभविक जो योग है इसके विषय में मैं कल बताऊंगा। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि इसका मतलब फलों में ऐसा मतलब माना जाता है कि इसमें विटामिन ए है, बी है, डी है, और ये स्कर्वी को ये नाश करने वाला है, इसके लिए इसको मतलब सब मतलब सेवन कर सकते हैं। और ये मतलब क्या करता है, शरीर में मतलब शीतलता लाने वाला है, इसके लिए भगवान ने प्रकृति ने ग्रीष्म ऋतु में ये दिया है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हम सबको मतलब गर्मी लगता है, तो इसको सेवन करने से क्या होगा, हमारे शरीर में शीतलता आएगी, और इसके मतलब साथ में मतलब क्या है कि हमारे जो मतलब जो पेशाब का मतलब कभी कभी क्या होता है स्त्रियों में योनि भ्रंश होने की शिकायत रहती है, मतलब कभी कभी 1-2 बार 3 बार ऐसा गर्भपात हो जाता है, तो इससे गर्भाशय भी मतलब दुर्बल पड़ जाता है, उनके जो मतलब अंडाधार रोग हो जाता है, फिर उनका जो मतलब जो ओवरी है वो भी मतलब दुर्बल पड़ जाता है, और फिर पेशाब के रास्ते में फिर क्या होता है उनका जो योनि है मतलब जो गर्भाशय है वो बाहर निकल जाता है, जिसको कांच निकलना ऐसे भी कहा जाता है, पुरुषों में भी मतलब स्त्रियों में भी ये कांच निकल आता है, और जिसको गुदा योनि भ्रंश ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका मतलब योनि और गुदा जो है वो दुर्बल पड़ गया है, इसके लिए ऐसा होता है। तो इसमें केवल आप ये खजुरा सब हो, या तो खजूर का सुरा हो, या तो खजूर का रस हो, आप कुछ भी प्रयोग करें ना तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो ये मतलब जितने सब मतलब शास्त्रों के जो योग थे ये मैंने आपको बताया, कल मैं इसके सारे के सारे आनुभविक योग बताऊंगा जो कि आपके लिए भी मतलब बहुत अच्छा लगेगा, और इसका प्रयोग करेंगे तो आपको सदा मतलब इसको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो इसके लिए इसका दूसरा भाग जो है कल मैं बताऊंगा, अभी मैं यहाँ पे अपना व्याख्यान बंद करता हूँ, आपके मन में कोई भी शंका हो, संदेह हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम वेद जी। हाँ जी वंदे मातरम। वेद जी, ये जो आप बता रहे हैं इसको क्या शुगर वाले पेशेंट भी ले सकते हैं, डायबिटीज वाले?
हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, धन्यवाद वेद। जी। नमस्ते वैद्य जी, हाँ जी नमस्ते। क्या खजूर का सेवन हम गर्मियों में कर सकते हैं? देखिए प्रकृति ने हमें ग्रीष्म ऋतु में ही मतलब ये फल इसलिए दिया है कि ताकि हम इसका सेवन कर सके। इसके लिए निसंदेह निसंकोच भाव से आप इसका सेवन करिए। जी धन्यवाद। प्रकृति ने हमें ग्रीष्म ऋतु में 14 प्रकार का फल दिया है और सारे के सारे जो 14 प्रकार का फल है उन 14 प्रकार का फल का सेवन करना चाहिए। और मेरा लक्ष्य है कि उन 14 प्रकार के फलों के विषय में आप सबको मतलब बताऊं, क्योंकि हम सब केवल के फल के सेवन के विषय में जानते हैं परंतु उसके रोग के हिसाब से किन किन रोगों में उसका प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, वो सब मतलब हमें बहुत कम मतलब पता है। और वैद्य लोग भी मतलब कुछ कुछ वैद्य जानते हैं परंतु बताते नहीं है। परंतु मेरा लक्ष्य है उन 14 फलों के विषय में मैं आप सबको मतलब बताऊं, मतलब उपस्थापना करूं, मैं आपको मतलब उसकी जानकारी प्रदान करूं। वैद्य जी जी को मातरम गुरु जी, सब नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हाँ वंदे मातरम। मेरा प्रश्न जी यह वंदे है कि मातरम। जैसे कि हम बचपन में काफी एक खजूर खाए हैं जो देसी खजूर है, और अभी जो छुहारा जिसे बोलते हैं भी, इसको भी खजूर ही कहते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमने बचपन में जो खजूर खाए और ये खजूर, ये दोनों में अंतर क्या है और ये श्रेष्ठ जी कौन है इन दोनों में? जी जी सबसे पहले जो आपने जो छुआरा के विषय में बात कही है, छुआरा हमारा देश का नहीं है। ये जब हमारे देश में जो मुगलों का जो साम्राज्य होता था, जो 800 वर्ष तक हमारे ऊपर राज किया, हमारे देश का जो धन संपत्ति लूट कर गए, तो उस समय उन्होंने अपने देश का फल हमारे देश में लाकर इसको बेचने लगे बराबर। और ये कहने लगे कि तुम्हारे देश का ही उत्तम नहीं है, हमारे देश का उत्तम है। मतलब एक षड्यंत्र की मतलब भांति उसको मतलब प्रयोग किया गया। आप सबको पता है कि हमारे देश को नष्ट करने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र अभी चल रहा है बराबर। तो मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। छुआरा जो है वो हमारे देश का नहीं है, ये दूसरे देश का है। बाकी जो छोटी खजूर बड़ी खजूर ऐसा 2 प्रकार का होता है बराबर। और जो दोनों होता है ना, दोनों देसी है। ऐसा है कि जो छोटी खजूर होती है जिसका बीज बड़े बड़े निकलते हैं उसको भूमि खजूर, भूई खजूर ऐसा कहा जाता है। और जो बड़े बड़े मतलब फल होते हैं परंतु उसका बीज बहुत कम निकलता है, छोटा सा निकलता है, उसको पिंड खजूर ऐसा कहा जाता है। और दोनों में गुण धर्म जो है समान है, केवल इतना अंतर है कि जो देसी जो छोटा खजूर होता है उसमें मधुर रस और कसाई रस, ये 2 रस पाए जाते हैं। और जो बड़ा जो पिंड खजूर होता है उसमें केवल और केवल पिंड मधुर रस ही पाया जाता है, उसमें कसाई रस देखने को नहीं मिलता। केवल यही अंतर है और दूसरा कुछ नहीं। परंतु दोनों का गुण धर्म जो है उसमें सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको ये भी मतलब आपके मन में ये सवाल प्रश्न उठता होगा कि इसमें मधुर और कसाई रस दोनों है, तो क्योंकि मतलब पिंड खजूर है तो केवल और मधुर रस रहता है, विपाक में मधुर है तो ये दूषित कफ को निकालता है, पितर वात को समान करता है, परंतु इसमें मधुर और कसाई रस दोनों है तो ये तो वात को बढ़ाएगा। परंतु ऐसा है क्योंकि इसका विपाक रस भी मतलब विपाक रस जो मतलब मधुर है इसके लिए क्या करता है, बात यदि कुछ बड़ा है ना तो उसको भी समान कर देता है। इस प्रकार से वात और पित्त दोनों का समान करता है और दूषित कफ को निकाल देता है। इसके लिए दोनों का गुण धर्म जो है मतलब समान मात्रा में है, इसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं है, ना कम है ना बेसी है। ठीक है भैया वैद्य जी, एक बात बताइए, दिल्ली में हमारी गर्मी होती है, हम इसे अगर लेते हैं सीरा को, तो कितना ले सकते हैं, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? दोबारा पूछ लीजिए। एक फोन आ गया था जिसके कारण सुनना ही नहीं दिया, क्या कहा आपने प्रश्न? कह रही, दिल्ली के अंदर इतनी गर्मी होती है, इसमें हम अगर ये सीरा लेते हैं तो कितना लेना चाहिए, हमें मात्रा क्या होनी चाहिए? 30 ml तक ले सकते हैं। धन्यवाद वैद्य वैद्य जी, आपको बहुत बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम गुरु जी। जी जी धन्यवाद। और मैं पूछूं? मेरा एक प्रश्न है अरुण भैया, या तो आप पूछ लीजिए। आगे पूछिए बिल्कुल।
ये जो कि मैंने वो बताया था कि गांव की जो खजूर होती है देसी वाली, ये खजूर खाने से कभी कभी क्या होता था कि पेट खराब हो जाता था, और पेट तो साफ अच्छी तरह से होता था। इस पर आपका क्या विचार है? जी, इसमें ऐसा कहा गया है कि ये मैंने पहले भी कहा है, पहले से मतलब कहा है कि ये पाचन संस्थान में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये स्नेहन का गुण को बढ़ाता है, बराबर, स्नेहन गुण को बढ़ाता है, अनुलोमन करता है, इसके लिए इसका सेवन करना चाहिए। परंतु और ऐसा मैंने कहा है कि मैंने नहीं, ऋषियों ने ही कहा है, बराबर, मैं उनके ज्ञान को आपको माध्यम मतलब आपके सामने उपस्थापना कर रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जिनको दस्त लगता है तो वो सेवन करने से दस्त बंद हो जाता है, परंतु इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से ये विष्टम्भ कारक है। विष्टम्भ कारक है यानी कि आपका मतलब पेट साफ मतलब बंद कर देगा, मतलब मल को अवरुद्ध कर देगा, मतलब कब्ज बना देगा, कॉन्स्टिपेशन लाएगा। इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा आप 100 ग्राम तक ही सेवन करें, उससे अधिक नहीं सेवन करना चाहिए। ऐसा है, मैंने पहले से ही मतलब पहले ही बोल दिया है। ठीक है वैद्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बंदे बंदे। जी, वंदे मातरम वंदे गुरु जी। मातरम। मेरा प्रश्न है, जैसे हम लोग हाँ जी, के वंदे गांव मातरम। में जो हम लोग के गांव में जो खजूर मिलता है वो उसमें बीज बहुत होता है, मतलब ऊपर ऊपर जी हल्के पतले परत होते हैं केवल, तो क्या वही खजूर लेना चाहिए? उसको खा सकते हैं या दूसरा है कुछ? जी वो भूमि खजूर है, जिनमें पतला मतलब जी रस रहता है और बीज बड़े बड़े निकल रहे हैं, उसको भूमि खजूर कहा गया है। और जिनके बीज छोटे छोटे और अधिक मात्रा में रस होता है, मतलब मांसल जैसा होता है, वो पिंड खजूर है, बराबर। जी बिल्कुल पतला हाँ, ले होता है सकते उसमें हैं, परत, दोनों तो ले क्या सकते हैं, मतलब कोई वो खाना दिक्कत नहीं। चाहिए, उसका प्रयोग कर सकते हाँ हैं जी, खाने बिल्कुल में? खाना चाहिए। हाँ जी, जी मतलब छोटे छोटे बच्चे वगैरह खाते हैं, लेकिन बिल्कुल मतलब पतला रहता है, कसाई लगता है और थोड़ा मधुर भी रहता है। जी 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 आप सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम वैद्य जी। जी, वंदे मातरम। मैं ये पूछना चाह रही थी, हमारे यहाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश हाँ माँ में जी, खजूर, बोलिए। हमारे यहाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो खजूर मिलता है पिंड खजूर, वो बाजार का मिलता है, मतलब रेडीमेड लाल पका हुआ। तो किसी टाइम मैंने देखा था कि बताया था कि बहुत गंदे तरीके से कच्चे खजूरों को निकाल के उनको उबाला जाता है गुड़ में, और ये नुकसान करता है। मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो उसके बाद मैंने खजूर खाना बंद कर दिया है। तो कौन सा खजूर उचित रहेगा, क्योंकि जी हमें तो पेड़ों का नहीं मिलेगा, हमें तो मार्केट से लेना पड़ेगा। जी तो आप जब मतलब बाजार से खजूर लेके आएंगे, यदि अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो आप उसको क्या करिए, पहले 10 से 15 मिनट तक उसको पानी में छोड़ दीजिए, भिगोने के लिए छोड़ दीजिए, बराबर। फिर थोड़ा उसको मतलब क्या करिए, मतलब उसको थोड़ा हाथों से मसल दीजिए, ताकि जिससे ये उसका मतलब जितना सब मतलब जो रासायनिक संगठन गुण है यानी कि जो साइड इफेक्ट है वो सारा का सारा निकल जाएगा, बराबर। फिर उसको आप मतलब आराम से सेवन कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको क्या करिए, मतलब शाम को भिगो दीजिए पानी में, रात भर भिगोया रहेगा, सुबह में क्या करिए थोड़ा मतलब थोड़ा हाथों में मतलब थोड़ा मसल करके फिर उसको मतलब सेवन करिए, बराबर। सारा जो पानी है उसको फेंक दीजिए, तो ऐसे में सेवन कर सकते हैं। यदि शीत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, जो कि सर्दी का मौसम है, तो ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि मतलब तुरंत सेवन करना है, दूध लेना है और दूध में उबाल 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 लेना है, बराबर। और दूध में इतना उबालना है जैसे कि सारा का सारा खजूर जो है दूध में उबल जाए, मतलब घुल जाए। उसके बाद में आपको क्या करिए, मतलब पूरा बारीक से कपड़े में उसको छान लेना है और उसको सेवन करना है, ऐसा मतलब करने के लिए कहा है आयुर्वेद में। तो आप ऐसे प्रकार से मतलब सेवन करेंगे ना, तो बाजार में जितना भी मतलब आपका जो रासायनिक गुण है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका सेवन करिए। परंतु सेवन करना ही चाहिए, हर किसी को सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो वात पित्त कफ है वो समान हो, क्योंकि आचार्य सुश्रुत महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है, समदोषा समग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति विद्यते। मतलब आप कुछ भी करिए, सबसे पहले वात पित्त कफ ये तीनों को समान करना है,
जब तक आप मतलब वात पित्त कफ ये दोषों का समन नहीं करेंगे, तब तक आप मतलब कोई भी औषधि सेवन करें वो कभी आप स्वस्थ नहीं हो सकते। इसके लिए वात कफ को समन करने के लिए खजूर से श्रेष्ठ औषधि और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हर किसी को सेवन करना चाहिए। और ये सुहारा आता है वो कौन सा रहना चाहिए? एक तो बहुत बड़ा सुहारा आता है, कोई बहुत सुहारी आती है छोटी छोटी। जी, ये जो छुआ था ये हमारा देश का नहीं है, इसलिए मेरा सबसे आप सबसे निवेदन है और आग्रह भी है कि छुआरे का सेवन ना करें, क्योंकि हमें हमारे देश को समृद्ध बनाना है। किसी और दूसरे देश को समृद्ध बनाने से क्या मिलेगा? हमारे मेरे घर में मतलब मेरे मतलब माता पिता भाई मतलब भाई बहन बच्चे लोगों को, मेरे परिवार वालों को खाने को नहीं मिल रहा है। मैं पड़ोस को लेकर के मतलब मैं अपना रोजगार पड़ोस वाले को दूं तो उससे मतलब मुझे क्या मिलेगा? पहले क्या करना है, हमारे देश की संपत्ति को बढ़ाना है, हमारे देश की जो अर्थनीति है उसको मतलब समृद्ध बनाना है। मेरे देश में जो गांव के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जो जो भी लोग हैं, उनको पहले आर्थिक स्थिति मतलब सुदृढ़ बनाना है। इसके लिए हमें हमारे देश का खजूर जो है उसका सेवन करना है, जो बाहर से आता है उसका सेवन नहीं करना है। ये जो छुआरा होता है ना, जो सूखा खजूर होता है, ये बाहर से आता होता है, तो इसके लिए वो सेवन ना करें। हमारा देश का भूमि खजूर जो है, पिंड खजूर जो है, उसका सेवन करिए। इस प्रकार से क्या होगा, हमारे जो आत्मनिर्भर जो है ना, आत्मनिर्भरशीलता मतलब गुण इसमें बढ़ेगा। जैसे मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो वो हो सकता है। और इससे क्या होगा, हमारे अंचल में हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार मिलेगा तो सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। फिर हमारा ऐसा क्या होगा, आपसी रिश्ता बनेगा, एकदम मतलब मधुर स्नेह संपर्क बनेगा, संबंध अच्छा होगा। तो इसके लिए बाहर देश का, दूसरे देशों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, भले वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी मतलब मतलब स्वादिष्ट हो, कितना भी उसमें गुणकारी हो, वो सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि महर्षि चरक मतलब साफ साफ मना किया है उन्होंने। ये तो मैं भी बहुत अच्छा मानती हूँ कि अपने देश का ही होना चाहिए। तो देसी पिंड खजूर हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि मार्केट में तो मैं समझती हूँ कि सब बाहर से आता है। जी, तो हम तो मार्केट पे निर्भर है ना। काम करिए। जी 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 जी, आप एक काम करिए, जहाँ हाँ। मतलब फल मूल जो बेचते हैं ना, आप उनको बोलिए कि देसी, क्योंकि अभी एक महीना तक ही आएगा, एक महीने बाद में खजूर आना बंद हो जाएगा, बराबर। तो आप उनको अभी मतलब ये भूमि खजूर अभी आ रहा है, अभी एक महीने बाद में मतलब पिंड खजूर भी अभी आना शुरू हो गया है, पिंड खजूर 2 महीने तक आएगा फिर बंद हो जाएगा। तो जो फल जो बेचते हैं ना, आप उनसे संपर्क करिए, वो आपको लाके देंगे। नहीं, जो मार्केट में मिलता है ना, थोक वाले यार ठेले पे बेचते हैं, 4 पहिए के ठेले पे बेचते हैं, तो वो तो मेरे को लगता है बाहर, इसलिए मैंने भी खाना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसा हमने सुना पड़ा था जो हम यहाँ पर चर्चा में बोलना उचित नहीं रहेगा, तो ये तो बहुत गंदे तरीके से उबालते हैं ये वो, तो मैंने खाना 4-6 साल हो गए बंद कर दिया है। मैंने तो पिंड खजूर खाती थी, बचपन से खाती थी, तो उसके लिए मेरे को जानकारी चाहिए थी कि हमें आखिर कहाँ से, वैसे ये होता किस प्रदेश में है ज्यादा, हमारे भारत में किस प्रदेश में? ये तो हमारे भारत में, जी भारत में तो सब मतलब जगह में होता है, परंतु ये अधिक मात्रा में क्या होता है, हमारे भारत में बिहार में पाया जाता है, पंजाब में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और बंगाल में, और यहाँ पे मतलब जो होता है ना दक्षिण, जहाँ पे मतलब क्या होता है कर्नाटक में, बराबर, वहाँ पे ऐसे देशों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और दूसरे दूसरे जो क्षेत्र में वो होता तो है, परंतु उतनी बहुल मात्रा में नहीं होता। आप गोविंद भैया से संपर्क करिए, वो तो बिहार से है, वो आपको बताएंगे बिहार में अधिक मात्रा में होता है कि नहीं। दीपो भैया से, अरुण भैया से संपर्क करिए, तो आपको शायद उपलब्ध कर सके। हाँ जी, मैं भी बिहार से हूँ। आप क्या बोल रहे भैया, सुनाई नहीं दे रहा। मैं भी बिहार से हूँ। नीलम जी बिहार से हैं क्या? मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ जी। मैं पता करके बताऊंगा खजूर के बारे में।
ठीक है, फिर आप अगर अपना वहां का किसी का ना एड्रेस दे देंगे ना मेरे को तो। हाँ कल बताऊंगा मैं आपको, पहले पूछ लेता हूँ, कल हाँ पूछ हाँ तो लूंगा कि क्या खजूर रहेगा मिलता कि मैं डायरेक्ट वहां से 25-50 किलो मंगा लेंगे एक बार, तो साल भर चल जाएगा बच्चों के साथ, जो है। हाँ वो बच्चे तो बहुत है। पसंद करते हैं। बाकी और किसी अन्य सदस्य का प्रश्न है तो कृपया प्रश्न रखें, बाकी विशेष चर्चा सभी व्यक्तिगत तो अपने संदेश करके कर लीजिएगा, कुछ और चीजों को चाहिए तो। किसी और भाई बहन का प्रश्न है तो कृपया प्रश्न रखें। वेद जी, आपने ये खजूर सुरा हाँ जी, बताया, इसको एक बारी दोबारा से बता देंगे जो इसमें सामग्री है थोड़ा एक दोबारा से? वीडियो में तो मिल जाएगा। कौन सा जी? ये वेद जी खजूर सुरा जो आपने बताया है उसमें नागर मोथा, हरड़, कपूर, कचरी आपने बताया ना, ये तो थोड़ा सा आप एक बार दोबारा से बता देंगे, थोड़ा मिस हो गया लिखने में। आप वीडियो में देख लीजिए ना, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो चुका है, आपको वहां जी पे जी मिल जाएगा। ठीक क्योंकि रिपीट करना अच्छा नहीं है, फिर दूसरे लोगों को फिर विरक्त लगेगा। ठीक है ठीक है, कोई नहीं जी, मैं किसी देख का लूंगी और कोई फिर। प्रश्न है तो धन्यवाद। बताइए जी। किसी और का कोई प्रश्न है? वंदे मातरम भाई जी, जी। सर ले सकते हैं क्या इसको? हाँ जी, वंदे क्या जी? ये जो खजूर सुरा और ये जो आपने बताया है जी, ये हेलो, क्या 10 साल से छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं? हाँ जी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये ग्रहण है, इसलिए ग्रहण है ना, ये लगभग 1 वर्ष की आयु के बाद में हर कोई सेवन कर सकते हैं, कितनी भी आयु में हो। और कोई कोई बोलते हैं कि मधुमेह में इसका सेवन करना चाहिए ना कि नहीं। मधुमेह तो आंख बंद करके इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रमेह नाशक गुण है, इसके लिए मधुमेह में भी मतलब ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बच्चे के लिए मात्रा भी यही होगी वैजी की कम होगी इसके लिए बच्चे में मात्रा? अच्छा, बच्चे की मात्रा कम होगी और दूसरा कुछ नहीं है। जी वैजी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। जी वैजी, ये खजूर का रस और या ताल का रस जो है वो बताए थे 30 से 40 ML लेने के लिए, लेकिन कभी वो होता है कि आधा आधा लीटर ले लेते हैं, 30-40 ML से काम नहीं चलता, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? मतलब खजूर का रस 40 40 कितना, आधा लीटर खजूर का रस का सेवन जी करने बात के लिए जी बोल रहे ना? ये जो जी मतलब जो और शराब ताल का छुड़ाने की भी बात कर रहे हैं उसके विषय में बोल रहे क्या? जी बात जी। ये जो नशे के लिए बोल रहे कि मतलब क्या है? मतलब समझ में नहीं आया। जी भाई जी, नशे के लिए नहीं, बस वही सुबह सुबह मॉर्निंग में पीने के लिए। आप पीने के लिए ले रहे हैं ना, तो 40 50 ML लीजिए ना, इतना ही बहुत है, अधिक मत लीजिए। जी फिर अधिक लेंगे तो फिर आपका क्या होगा, पेट साफ नहीं होगा, फिर वो कब्ज होना देगा फिर आपको। फिर पेट साफ जी के भाई लिए जी, फिर अलग से क्योंकि दवाई लेनी पड़ेगी, इसके लिए अति मात्रा में नहीं लेना है। जी भाई जी, क्योंकि गांव में थोड़ा रहता है तो थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा ले लेते हैं। हाँ तो ज्यादा ले लेते तो फिर बाद में दिक्कत होती है ना। फिर जी हमें भाई जी, उतनी मात्रा में लेना है जितनी मात्रा में हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो, और हमें उसका लाभ लेना है। ऐसा नहीं मतलब मजे के लिए पीना है, ऐसा नहीं है। स्वाद स्वाद मिल रहा है तो लेना, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उसका सेवन करना है। जी भाई जी। और भाई ठीक है जी, जी एक जो खजूर के जी बारे में बताए थे, एक तो बड़ा खजूर होता है जिसमें बीज बड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो पिंड खजूर एक आता है उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। जी एक तो सूखा हुआ छुआ रहा था, लेकिन एक मार्केट में थोड़ा गीला गीला भी छुआ रहा था, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट, तो वो क्या बाहर का है जी कि अपना भारत का ही है? वो बाहर का है, हमारे देश का नहीं है। जी एक जी, ये पिंड खजूर जो बड़ा होता है बिहार में होता है कि नहीं? हमारे देश का जो खजूर होता है ना, वो नरम नहीं रहता, वो थोड़ा कड़क रहता है खजूर बनाने के बाद में, बराबर। परंतु जो दूसरे देश से जो आयात होता है वो नरम होता है, और उसमें बहुत छोटे छोटे मतलब बीज होते हैं, बराबर। तो वो हमें नहीं चाहिए, जी जो सूखा वाला खजूर जो छुआ रहा है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सबल बनाना है। तो हमारे देश में जो खजूर होता है ना, वो ही हमारे लिए अति उत्तम है। तो जिनके बड़े बड़े बीज होते हैं वो भूमि खजूर है,
उसका सेवन करिए, या तो फिर जिनके मतलब मध्यम आकार का बीज है परंतु उसका खजूर का सेवन करेंगे ना तो उसमें भी वो कड़क कड़क ही आपको लगेगा, मतलब इतना भी कड़क नहीं कि आप चबा ना सके, बराबर, मतलब कड़क ही लगेगा, वो पिंड खजूर है तो उसका आप सेवन करिए। परंतु जो एकदम नरम सा जैसा आता है वो छुआरा है, वो दूसरे देश का है, उसका हमें सेवन नहीं करना है। जी भाई जी, वो तो सूखा हुआ छुआरा आता है, लेकिन उसमें भी एक खजूर होता है जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट भी आता है मार्केट में, मैं वही बोल रहा हूँ कड़ा कि नहीं। एकदम मतलब जो नरम सा आता है वो भी दूसरे देश का है, जो सूखा हुआ आता है वो भी दूसरे देश का ही है, हमारे देश का नहीं है। जी, लेकिन ये पिंड खजूर के बारे में बता रहे हैं, वो पता नहीं चल रहा है कि बिहार में कहाँ भी कहीं भी होता है कि क्या। वो जो बड़ा खजूर आप तो एक पता काम चल रहा है, जिसमें करिए, बीज बहुत बड़ा बड़ा होता है। आप ये सत्र समापन होने बाद में दीपक भैया से संपर्क कर लीजिए, मनी वो भाई, बिहार से ना अभी वो आपको ग्रुप बता देंगे। बैद जी, अभी हम फोटो भेज दिए ग्रुप में है, वो पिंड खजूर शायद यही है जो मनी जी भाई जी कह रहे बिल्कुल, हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही है, हाँ, तो वैद्य जी, हम जो ऊपर इसी ऊपर खजूर के का। बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये खाने से तो ताकत भी मिलती है। पिंड खजूर यही है, भूमि खजूर। भूमि खजूर जो है उसका फल जो है ना छोटा छोटा होता है, भूमि खजूर का पिंड छोटा खजूर फल। का फल। हाँ जी, पिंड पिंड खजूर और भूमि खजूर में कैसे जानेंगे, मैं उसका एक तरीका बता देता हूँ। पिंड खजूर जो है थोड़ा मतलब पूरा तो गोल नहीं होता है, थोड़ा मतलब गोल होता है और चक्रा थोड़ा मतलब चिपटा मतलब होता है, परंतु जो भूमि खजूर जो है एकदम लंबा लंबा सा होता है, बराबर, परंतु पिंड खजूर थोड़ा गोल गोल रहता है, ये आकार में आकार से भी आप जान सकते हैं। ये बिहार में तो बहुत मिलता है, हर जगह मिलता है, हर गांव में मिलता है और काफी मात्रा में जी जी मिलती ये है। छोटे साइज का होता है जो भी है। हाँ जी, ग्रुप में जी, ये फोटो डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। मार्केट में नहीं मिलता है सर, गांव बहुत मिलता है सब जगह मार्केट पेड़ पे तो मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में कोई नहीं बेचते हैं। में। मैं कर्नाटका से ही हूँ वैद्य जी, तो हमारे यहाँ पे ये मिलता है, अभी सीजन में मिल भी रहा है। मार्केट में मांग करेंगे तो वो गांव जी से लेके आएंगे, फिर आपको मिल जाएगा। आप डिमांड तो करें पहले, वो लेकर आएंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक मेरे पास मरीज आए हैं तो उनको मतलब हाथ की समस्या है, तो उसके निवारण के लिए कुछ बता दें वैसे। क्या है? मतलब एक मेरे पास मरीज आए थे तो उन्हें हाथ की समस्या थी, तो मुझे उसका इलाज नहीं पता था, तो मैंने नहीं बताया, तो कृपया करके उसका निवारण बता दें, ताकि मैं कुछ उन्हें भी बता सकूं अच्छा, आगे दांत उससे। की समस्या मतलब क्या, मतलब समस्या का पूरा तो लक्षण बताइए, पूरी जानकारी दीजिए तो मैं बता पाऊंगा। दांत की समस्या मतलब पेशाब करते वक्त थोड़ा सा बीज निकल जाना पेशाब के साथ, उसी को दांत कहते हैं। अच्छा, तो इसके लिए आप एक काम करिए ना, सारे वैद्यगण एक ही प्रयोग को करते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देता है, बराबर। ये जो धनिया होता है सूखा, जो धनिया का बीज वो ले लीजिए, बराबर, 100 ग्राम उसका पाउडर बना लीजिए और उसमें ताल मिश्री या तो फिर कोई भी धागे वाला मिश्री, उसमें मिश्री 100 ग्राम मिला दीजिए, दोनों को मिला करके दे दीजिए, एक एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट में उसको सेवन करने के लिए दे दीजिए। ये इसका प्रयोग करने से ही मतलब धात की जो समस्या है आप बोल रहे हो ना पेशाब के साथ में जा रहा है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, 15 दिन की मतलब प्रयोग करने से ठीक हो जाता है, परंतु उनको 3 महीना सेवन करने के लिए दीजिए, 90 दिन तक, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब भस्मों का उपयोग कुछ करते हैं लोग, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है मैंने सुना सर, क्या भस्म का उपयोग कर सकते हैं सर थोड़ा बहुत मतलब। भस्म का ऐसा कहा गया है कि जो भस्म रस पिष्टी है ना, आप पहले मूलिका देवी से चिकित्सा करिए, मूलिका देवी से यदि चिकित्सा नहीं होता है, मतलब ऐसा कहा गया है कि रसोई घर से पहले चिकित्सा करिए, वहां पे यदि परिणाम ना मिला तो मूलिका देवी से चिकित्सा करिए, मूलिका देवी से परिणाम ना मिला तो भस्म रस पिष्टी की ओर अग्रसर हो, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो आप सबसे पहले धनिया का उपयोग कराइए, धनिया का उपयोग से यदि ठीक ना होता हो तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको भस्म रस पिष्ट वाला औषधि बता दूंगा, जी, तो ठीक है आपका जी? जी नंबर यही रहेगा सर, मैं आपसे संपर्क करूंगा सर कल हाँ तक, समझे जी 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 जी। थैंक जी यू सर।
वंदे मातरम भैया। हाँ जी वंदे मातरम जी। जैसे जो खजूर का रस जो होता है वो ताजा वाला ही पीना चाहिए या दिन भर का भी रहेगा तो भी पीना चाहिए? हाँ, ये जो खजूर का जो रस होता है ना, ये ताजा पियेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देता है, परंतु यदि थोड़ा मतलब खट्टा हो उसमें आ जाए तो ये हार्ट के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा परिणाम देता है, हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए, नाड़ी के लिए, स्नायु के लिए। तो इसका यदि आपको प्रमेह का नाश करना है, मतलब धातुओं को बल देना है, अपने मतलब थकावट को दूर करना है, मूत्र कुछ को दूर करना है, मतलब डिसोरिया को ठीक करना है, ज्वर में देना है, जलन में देना है, खांसी में देना है, हिचकी में देना है, और रक्त पित्त हो रहा है उसमें देना है, बराबर, उल्टी हो रही है, प्यास लग रहा है, या तो फिर मतलब दस्त लग रहा है, तो ऐसे में यदि देना है तो आप क्या करिए, या तो फिर आपका मतलब जो पित्त पित्त रोग है, बराबर, मतलब आपका मतलब कोई भी ठीक से पेट में दर्द हो, या तो पचन नहीं हो रहा है, तो भूख नहीं लग रहा है, तो उसमें ताजा दीजिए। यदि आपको वात का समान करना है, जैसे मतलब गृध्रसी है, फिर आपको मतलब सिर में दर्द हो रहा है, या तो फिर सिर में चक्कर आ रहा है, या तो फिर आपका मस्तिष्क को बल देना है, हृदय को बल देना है, बराबर, या तो फिर आपको क्या करना है, जिनको मतलब ये लग रहा है, मतलब शोथ हो रहा है, मतलब जितने सब बात के लक्षण मिल रहे हैं उसमें क्या करना है, खट्टा वाला दीजिए। और जिनको पित्त में समन करना है या तो कफ में समन करना है, बल देना है, तो उनके लिए ताजा वाला दीजिए। ये इसका नियम है, यही इसका मतलब मतलब जो विधान है यही ऐसा है, ऐसा है जी। तो सबको 30 ml ही देंगे जी? 30 से 40 ml ही देना है, उससे अधिक नहीं देना है। उससे अधिक देंगे तो क्या होगा, फिर आपका मलावरद हो जाएगा, फिर मतलब पेट साफ के लिए फिर त्रिफला चूर्ण सब गुलभूसी पंचसगा फिर दूसरा औषधि सेवन करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि हमें मतलब अधिक मात्रा सेवन नहीं करना है और मलावरद नहीं करना है, फिर मल को साफ करने के लिए फिर औषधि सेवन नहीं करना है। ये सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में ही प्रयोग करना है कोई भी? नहीं, केवल ग्रीष्म ऋतु में, दूसरे किसी ऋतु में इसका प्रयोग नहीं करना है। वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये दो ऋतु में आप इसका सेवन कर सकते हैं, 4 महीना। ग्रीष्म ऋतु के आने जाने के बाद में जब वर्षा ऋतु आने लगे तो उसके बाद में इसका सेवन नहीं करना है। जी, खजूर का भी इसी तरह से? जी जी जी, धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। हेलो, वंदे मातरम जी। हाँ जी, वंदे मातरम। मैं रहता हूँ, ये तो जैसे जनवरी फरवरी तक भी चलती है तो सर्दी, पूरी पूरी, पूरी सर्दी, जैसे दूध में उबाल के खाते हैं इसे? हाँ जी बिल्कुल, खाते हैं दूध में उबाल करके सर्दी, पूरी सर्दी मतलब जनवरी तक भी ले सकते हैं, जनवरी फरवरी तक भी? हाँ जी, सर्दी में जब भी इसका प्रयोग करना है दूध में उबाल करके प्रयोग करना है, ग्रीष्म ऋतु में जब इसका प्रयोग करना है तो पानी में भिगो करके प्रयोग करना है, यही इसका नियम है, विधान है। तो जो दूध में उबालते हैं उसको साथ में खा सकते हैं तो उसको अलग करना रहता है ऐसा? जब दूध में उबालने का विधि ऐसा बताया गया है, बराबर, भेषज रत्नावली में, कि इसको जब दूध में उबाले तो उसका जो खजूर है वो पूरी तरह से घुल जाए, केवल बीज ही बचे, और उसमें जब बीज ही बचे तो उसको छान लेना है, बीज को आप चाहे तो रखना है तो रखे, या तो फिर फेंक दीजिए। बीज का भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है, क्या क्या प्रयोग होता है मैं कल बताऊंगा इसके अनुभवी योगों में, बराबर, और उसका पूरा मतलब जब आप छान लेंगे तो उसका केवल बीज ही निकलेगा, उसका कोई खजूर का रस नहीं रहेगा, खजूर का रस जो है पूरी तरह से दूध में घुल जाएगा, तो उसी दूध को आपको सेवन करना है, ऐसा कहा गया है। तो वो तो मसल ज्यादा रहता है, या तो फिर उसको एक दिन पहले पानी में गला के फिर उसको मसल के फिर कर सकते हैं? अभी बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, जैसे डायरेक्ट डालते हैं अपन तो मांसल सा रहता है, वो घुल ही नहीं पाती दूध में। जी जी जी, उसको थोड़ा मतलब हाथों से मसल लेंगे ना तो हो जाता है वो। जी, और ये यूं भी कहते हैं कि भाई 4-5 से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो क्या सही है क्या ये? 4-5 नहीं है, कम से कम आप 100 ग्राम तक से खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम तक खाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। ज्यादा खाने से फिर पिस्टुला हो जाता है ऐसे? हाँ जी हाँ जी, वो ज्यादा मतलब खाएंगे ना तो वो विष्टम भी कारक है, ऐसा चरक जी ने भी मतलब कहा है, चरक जी ने कहा है, सुश्रुत जी ने कहा है, इसके लिए इसके अधिक मात्रा में सेवन करने ही करना चाहिए, परंतु कम से कम आप मतलब इसको कम से कम या तो ज्यादा से ज्यादा आप इसका 100 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 ग्राम यानी कि आप मतलब जब उसके बीज के साथ वजन करना है 100 ग्राम,
फिर उसका बीज निकाल देना है, फिर इसका सेवन करना है। और इसके साथ जो औषधियां मिलाते हैं सफेद मूसली अश्वगंधा, ये भी मिला सकते हैं दूध में? हाँ जी बिल्कुल मिला सकते हैं जी। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते। अच्छा इसकी तासीर मतलब ठंडी होती है कि गर्म? मतलब कहीं कहीं सुने कि कोई वैद्य बताते हैं कि ठंडी होती है, तो वही कंफर्म होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ये ठंडी ही होती है, ये शीत वीर्य है ना, ये ठंडी ही होती है। ये लौंग वैद्य जो लौंग हम लोग खाते हैं उसकी तासीर? लौंग की तासीर गर्मी होती है, गर्म होती है जी। मतलब जो वैद्य ये बता रहे थे ना कि ठंडा मतलब ठंडा होता है, तो वो भी बता रहे थे कि लौंग भी ठंडा होता है, मतलब उसकी प्रकृति लौंग का फुल ठंडा होता है। लंग जो मतलब लौंग होता है ना वो गर्मी होती है, ऊपर का देखेंगे एक प्रकार का जो फूल लगा होता है लौंग में वो ठंडी होती है। जी जी धन्यवाद जी। जी वंदे मातरम। जी काला जीरा जो होता है वो ठंडी होती है कि गर्म होता है? काला जीरा गर्मी होती है। और उसका तेल का सेवन कैसे किया जा सकता है? काला जीरा का सेवन, तेल का, काला जीरा का तेल का सेवन, काला जीरा का तेल का सेवन ऐसा कहा गया है कि 2 से 3 बूंद तक सेवन करना चाहिए, उससे अधिक नहीं सेवन करना चाहिए, नहीं तो फिर वो मतलब क्या होगा, सिरो सिरो। हाँ पानी में सेवन कर सकते हैं, दूध में सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत, दही में, छाछ में, घी के साथ में सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल पानी में भी डाल करके सेवन कर सकते हैं। तो वो ठंडा के सीजन में सेवन सिर्फ किया जा सकता है ना? हाँ जी सिर्फ ठंडा के समय में, ठंड मौसम आने पे शिशिर ऋतु में सेवन, जी हेमंत शिशिर ऋतु में सेवन करने के लिए कहा है काला जीरे का तेल। धन्यवाद भाई। वैद्य जी। हाँ जी। जिसको मोटापा है वो खजूर का सेवन कर सकता है क्या? जिनको मोटापा है नहीं वो सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रहण है, ब्रहण यानी के रस रक्त मांस, ये जो सारे धातु है वो बढ़ाता है, तो इसमें निसंदेह बात ये मांस धातु को भी बढ़ाएगा, मेद धातु को भी बढ़ाएगा, इसके लिए जो मोटे है उनको सेवन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद जी। जी और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? तो आपने ये बताया कि कफ को ये दूर करता है, तो क्या मोटापा कफ का रोग नहीं है? देखिए मोटापा जो होता है ये अग्नि मानदे के कारण होता है, अजीर्ण के कारण होता है, ये अग्नि मानदे को दूर नहीं करता, अजीर्ण को दूर नहीं करता है, बराबर। और ये क्योंकि ये पौष्टिक है, पौष्टिक है, पौष्टिक है, तो आपको क्या करेगा, आपके शरीर को और पुष्ट करेगा। और इसका गुण जो है ब्रहण है, ब्रहण यानी कि रस 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 से लेकर के जो औष धातु है उसको बढ़ाना ये चालू करेगा, ये इसका काम है। इसके लिए जो मोटे लोग है उनके लिए सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल मधुर रस ही है, और मधुर रस जो है मतलब मोटापा बढ़ाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम वैद्य जी। इसका मतलब जिनका वजन कम है उनको ये जरूर खाना चाहिए ताकि उनका वजन बढ़ सके, है ना? जी मैंने पहले ही कहा है कि एक क्षय को ठीक करता है, क्षय को काम करता है, मतलब मतलब एक क्षय को कम करता है, मतलब आपका रस धातु का मतलब किसी भी प्रकार का क्षय हो, बालों का क्षय हो, अस्थि का क्षय हो, दांत का क्षय हो, दृष्टि शक्ति का क्षय हो, सुनने की काम में मतलब कान के जो सुनने की जो क्षमता उसका क्षय हो, या तो चबाने की मुंह के मुंह में चबाने की जो क्षय हो उसकी शक्ति क्षय हो गई हो, बल की क्षय हो गया हो, मतलब किसी भी प्रकार का जो क्षय होता है ना, क्षय यानी कि कम ना, कम होना, घटना, बराबर, जिसको रेडियस ऐसा कहा जाता है, तो हर प्रकार की रेडियस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर हर प्रकार के किसी भी प्रकार के इंक्रीज में आप इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि और इसको इंक्रीज कर बढ़ाने वाला है, ये ध्यान में रखिए। किसी भी प्रकार का आपका रेडियस हो रहा है ना,
तो आप इनको खजूर का सेवन करा दीजिए उसको, तो आपको बहुत चमत्कार मतलब परिणाम मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद भाई धन्यवाद। जी। नमस्ते, समय का समय हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा मैं प्रश्न रख लेता हूँ, बाकी फिर हम लोग सत्र का अंत कर लेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। जैसे वैद्य जी आपने कहा कि जहाँ भी क्षय हो वहाँ पे हमें खजूर का प्रयोग करना चाहिए। मान लिया शरीर के जो अंदर के जो अंग हैं, जैसे मूत्राशय है, किडनी है, उसमें अगर दी उस सिकुड़ जाए, उसके अंदर सिकुड़ापन आ जाए, सिकुड़ने लगे वो अंग, तो क्या उसमें ये खजूर लाभकारी होगा? जी बिल्कुल लाभ होगा। उसमें क्या करना है, इसका पेय बना करके देना चाहिए, खजूर पेय उसको बोलते हैं। कैसे देना है मैं इसका प्रयोग कल बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले से कह रखा है कि इसका अनुभव भी क्यों कल बताऊंगा, इसके लिए मैं कल बताऊंगा। ठीक है जी यार, खुशबू ठीक है, ठीक है, नमस्ते। एक मेरा भी है, खुशबू सिकुड़ जाना, किडनी सिकुड़ जाना, लीवर सिकुड़ जाना, ये सब में कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसके विषय में कल इसका प्रयोग विधि बताऊंगा। जी ठीक एक है, तो मेरा सत्तर भी छोटा सा, हाँ वो ये है कि वह जी ये ना बहुत सारे वैद्य और बहुत सारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ना जो हमारे माँ बाप दादा परदादा ने खाया वो हमें खाना चाहिए, ठीक है? तो जी ये कितना सच्चा है? और दूसरा ये कि सिखों में हमारे में ना कड़ा चलता है, मतलब वो हलवा होता है आटे का, तो अभी क्या है कि उसमें मतलब मेरे को ये पूछना था कि उसमें अगर घी की बजाय तेल का बनाए तो क्या वो खाना सही रहेगा या नहीं, बस इतना ही। देखिए, ऐसा कहा गया है कि तेल हमें अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु घी हमें अधिक मात्रा में सेवन करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि घी ऐसा एक द्रव्य है मतलब पदार्थ है कि वो जब नहीं पचता है ना तो हमारे मल द्वार से वो सीधा बाहर निकल जाता है, बराबर। परंतु तेल यदि नहीं पचेगा तो फिर हम उसमें क्या करता है, हमारे आमाशय में वो आम को बनाने लगता है। इसके लिए तेल के मतलब तुलना में घी का सेवन करना चाहिए, मेरे मतलब आयुर्वेदकारों ने ऐसा कहा है, सभी ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है, बराबर। इसलिए तो मतलब एक सूत्र है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्या घृतम पिबेत, मतलब उन्होंने कहा है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर भी मतलब घी का मतलब सेवन करना चाहिए, परंतु कोई मुफ्त में दे तो भी तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा ऋषियों ने मुनियों ने ऐसा कहा है। तो आपके वहां यदि मतलब जो कड़ा बन रहा है यदि घी से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तेल से नहीं बनाना चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि तेल से बनाएंगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल बाद में बढ़ेगा, क्योंकि वो नहीं पचता है तो फिर आम बनाने लगता है, आम संचित होने लगता है, फिर दूसरे दूसरे फिर वात का रोग को हमारे शरीर में उत्पन्न करने लगता है, सृष्टि करने लगता है। परंतु घी से कभी कोई रोग नहीं होता, क्योंकि नहीं पचता है तो बाहर निकल जाता है सीधा, और केवल अकेला बाहर नहीं निकलता, साथ में रास्ते में जितने सब मतलब टॉक्सिन पड़े रहते हैं ना सबको साथ में लेकर के निकल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई मंदिर में या तो कोई पार्क में या तो किसी पर्यटन स्थल में जब बंद होने का समय होता है ना तो ये गार्ड आता है, सिटी बजाते बजाते सबको बाहर निकाल के चला जाता, चलो 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 चलो, ये घी भी ऐसा ही काम करता है। इसके लिए सबको घी प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, ठीक है भैया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बंद मात्र। हाँ प्रणाम। घी जी प्रणाम। के साथ तेल में खाया जा सकता है भाजी? घी क्या जी? के साथ में सेंधा नमक मिला के? घी घी के साथ में सेंधा नमक नहीं चलेगा। जैसे पीने के समय जैसे पीता है आदमी 2 चम्मच पिएगा तो खाली घी पीना है कि सेंधा नमक मिला के? केवल घी का सेवन करना है। जीरा वगैरह कुछ नहीं ना? जी, धन्यवाद। वैद्य जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। वैद्य जी है ना, जिसको कफ हो और वात का रोग हो तो क्या वो भी घी ले सकता है? जी कफ और वात का रोग? जी, ये तो दोनों मतलब विपरीत हो गया है, जिसको कफ होता है उसको वात नहीं होता है, जिसको वात होता है उसको कफ होता ही नहीं है, तो फिर ये घी का सेवन करने का तो ये प्रश्न ही मतलब गलत है। अच्छा जी ठीक है भाई, वंदे मातरम। जी ठीक है वंदे दीपक मातरम। भाई कर लो।
जी वैद्य जी का अगर दी अब जैसा अनुमति हो, जैसा कि वैद्य जी का समय हो रहा है तो सत्र का अंत कर लेते हैं। बस एक लास्ट प्रश्न प्लीज पूछ सकते हैं क्या? ठीक है, जल्दी पूछिए। हाँ वैद्य जी, जैसे आप कह रहे कि घी जरूर खाना चाहिए, मगर उसमें फिर वही बात आती है ना कि शुद्ध मतलब देसी गाय का घी हो तभी, अदरवाइज तो नहीं खाना चाहिए ना, अगर नहीं वो मिलता तो। आप एक काम करिए, अभी ये हमारा 14 प्रकार का जो फल होता है ना, ये 14 प्रकार का जो फल है, इसका सीरीज समाप्त होने बाद में हम एक दिन घी के ऊपर आलोचना सत्र रखेंगे, तो उसके आपका बहुत सारा समय का मतलब आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है जी? ठीक है भाई जी, धन्यवाद जी। जी जी, तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने समय से सुना और इन चीजों को सीखा। निवेदन यही है कि वैद्य निर्वाण क्रांति के अभियान में इस ज्ञान को औरों में साझा कीजिए। आप जितना इस ज्ञान को साझा करेंगे उतना उतना आप वैद्य बनते जाएंगे। वैद्य जी के ज्ञान को, जो वैद्य जी बता रहे हैं ऋषियों के ज्ञान को, आप उस ज्ञान को जितना सुनेंगे और जितना जितना बांटेंगे उस ज्ञान को, आप उतना उतना वैद्य बनते जाएंगे। तो बस वैद्य आप सभी बनना आरंभ कर दें। तो जितना जितना आप ज्ञान सीख रहे हैं उतना उतना बांटते रहिए। तो वैद्य का काम होता है बांटना। डॉक्टर का काम सभी डॉक्टरों के लिए नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि वैद्य का काम है बांटना, डॉक्टर का काम हो गया लूटना। तो बहुत बड़ा अंतर हो गया है। तो बांटने और लूटने के इस बहुत बड़ी दुविधा में आप सभी को बांटना पड़ेगा। तो वैद्य बनिए और बांटिए, डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि डॉक्टर लूट रहे हैं। तो समझना है इन चीजों को और औरों में इस ज्ञान को बांटना है। तो कोई बहन शायद आज नहीं है, मीना बहन है या ललिता बहन कोई जो शांति पाठ कर सकती है? चलिए नहीं है तो मैं शांति पाठ कर देता हूँ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे जी। वंदे मातरम आप सबको, आप सभी को वंदे मातरम। वैद्य जी को नमस्ते।